नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है हमारे वेबिनार में। 100 मर्जों का एक इलाज सही आहार, इसकी शुरुआत मेरे प्रिय मित्र विघ्नेश जी करेंगे, जो हम ये मूवमेंट के, जो हम वीगनिज्म का मूवमेंट है उसके पायनियर है। वो काफी इस तरह के वेबिनार्स और सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं। मैं विघ्नेश जी को आज बुलाना चाहता हूं। वो पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में हमारे पास में 5 डॉक्टर्स, फिर एक विशेषज्ञ है जो हमें समझाएंगे कि एक आहार से हम किस तरीके से बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और पर्यावरण का भी बचाव कर सकते हैं। मैं शुरुआत में सिर्फ मेरे दो ही प्रार्थना है आपसे कि हम जो भी चीजों का इधर उल्लेख कर रहे हैं उसे अपने जीवन शैली में लाने के पहले आपके डॉक्टर या किसी डाइटिशियन से बात जरूर कीजिएगा। ये जरूर हमारे, इसके लिए हमारे पास में एविडेंस है, हमने रिसर्च की है, उसके बाद में ही हम कह रहे हैं, लेकिन ये सही होगा कि आप अपने डॉक्टर से बातचीत करके इसका करिए। और जो भी विज्ञान हम पढ़ते हैं डॉक्टरी तौर पे, वो सब अंग्रेजी में होता है। हमारी कोशिश है कि जिन लोगों को हिंदी ज्यादा समझ में आती है हम हिंदी में बात करें, लेकिन हिंदी में हमसे कुछ गलतियां हो सकती है, उसके लिए हम पहले से माफी चाहते हैं, और थोड़ी चीजों का हम अंग्रेजी का भी शब्दों का प्रयोग करेंगे, उसके लिए भी हम तहे दिल से माफी चाहते हैं। विघ्नेश जी, अभी आप। थैंक यू रोहित, वो इंट्रोडक्शन के साथ काफी प्रेशर डाल दिया आपने हम पे, पर कोशिश करेंगे। सो जैसे रोहित ने बताया कि सबसे पहले तो हम माफी चाहते हैं हमारी हिंदी की। हम सब बॉम्बे के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करने की वजह से हमारा हिंदी जरा अलग हो गया है, सो प्लीज माफ कीजिएगा। लेकिन समझिए कि यहाँ पे मूल है हमारा उद्देश्य, हमारा संदेश, वो मेन है, ठीक है जी, तो उसपे रहिएगा। दूसरी बात, एक डिस्क्लोजर करना चाहूंगा कि हम सारे जो लोग हैं यहाँ पर, ये अपना समय निकाल के अपने ही संसाधनों के साथ हम ये कार्य करते हैं। हमारा किसी कंपनी, प्रोडक्ट या किसी भी दूसरे लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम टोटली इंडिपेंडेंट लोग हैं जो ये सही है सिर्फ इसलिए करते हैं, ठीक। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए मेरे प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। सो ये रहा हमारा प्रेजेंटेशन। रोहित, इज इट विजिबल? हेलो रोहित, ओके, प्लीज गो अहेड। माय क्लियर? ओके, आवाज आपकी साफ आ रही है। डन, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सो सबसे पहले कुछ छोटी सी नियम, नियम क्या, आराम से रहिएगा, बस खाली इतना कि यहां पर हम धर्म, राजनीति या जाति पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जगह उसके लिए है ही नहीं, ठीक सर? ओके, तो समझते हैं कि ये वीगन क्या है। ये वीगन शब्द है, इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहारी, या इसको कुछ लोग ये भी कहते हैं शुद्ध वनस्पति। तो समझते हैं कि ये वीगन है क्या, वीगनिज्म, वीगन बात क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, समझते हैं। तो जो परिभाषा है वो ये है कि जहां तक संभव हो और व्यवहारिक हो, पशु और पशु उत्पादों के उपयोग से परहेज रखने की प्रथा, विशेषकर आहार में, ठीक है जी। साथ ही वह एक संबंधित दर्शन भी है जो पशुओं की पुण्य स्थिति की को अस्वीकारता है। पुण्य स्थिति यानी ये मानना कि पशु जो है ये कोई मटेरियल है, कमोडिटी है, चीज है जिसका आप व्यापार कर सकें। इंसान भी जानवर है, तो जैसे हम जानवर है वो भी सब जानवर है, हम इज्जत चाहते हैं, उनको भी इज्जत दें, उनको इस तरह से कमोडिटी न बनाए, उनको चीज न बनाए, ठीक। तो ये है वीगनवाद का प्रिंसिपल, और इस दर्शन शास्त्र का अनुयायी जो होता है उसको वीगन कहते हैं, वो है वीगन। सो ये जानना जरूरी है कि वीगनवाद एक आहार नहीं है, वीगन एक डाइट नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, ये चेतन रहन सहन है, ये संवेदनशील जीवन शैली है जो हमने अपने सोच समझ के जान के अपनाया हुआ है। तो ये पूरा बड़ा है, एक फिलॉसफी है ये। वीगन क्यों, मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा क्यों नहीं, वीगन क्यों नहीं। सो बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम किसी को कहते हैं कि मैं वीगन हूं, तो सामने वाला हमसे कहता है कि मैं भी शाकाहारी हूं। सो प्लीज समझें,
वीगन मीन्स शुद्ध शाकाहारी, जो सिर्फ शाक का आहार करे वो वीगन। सो हमारे दिमाग में बड़ा क्लियर है कि शाकाहारी और पशु पदार्थ, तो जो पशु से आता है वो सारे पशु पदार्थ होते हैं। सो पशु का मांस, रक्त, चमड़ा, बाल, यही नहीं, उसके अंदर से जो द्रव्य आया, जो दूध आया, वो भी पशु से ही आया है। सो वो भी पशु पदार्थ है। सो दूध, घी, पनीर, बटर, ये सारे पशु पदार्थ हुए, तो इनका भी सेवन वीगन नहीं करता। तो इस तरह से हम आम शाकाहारी से अलग हैं, ठीक। सो जैसे मैंने कहा, वीगन क्यों नहीं, नैतिक है, जानवरों के लिए है, वातावरण के लिए सही है, हमारे पृथ्वी के लिए, एक ही तो है हमारे पास पृथ्वी, स्वास्थ्य के लिए, आपके मेरे हम सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। और आज के इस सेशन में हम वही देखेंगे, हमारे ये पूरे जो ज्ञानी डॉक्टर्स आए हैं, ये सब हमें बताएंगे कि कैसे स्वास्थ्य के लिए बहुत मदद करता है। सो बहुत बार ऐसे होता है कि हम अपने जो हमारा कार्य है, ये हमारे विचार और विश्वास के साथ मेल ही नहीं खाता। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, सबको मदद करते हैं, पर अगर हम देखें हमारे कार्य में तो ऐसे नहीं होता। जैसे बहुत सारे पशु प्रेमी बहुत सारे अलग अलग जानवर खाते हैं, तो ये एक मेल नहीं खाता। तो कल्पना कीजिए, करुणामय लोग, बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण का अगर आप निर्माण कर पाए, अगर आपके पास उसकी शक्ति हो, तो आप करेंगे कि नहीं, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे आप। और बड़ा आसान भी है, क्योंकि केवल आपके भोजन की थाली पर क्या है बदलने से आप दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। जी हां, ये शक्ति है आपकी। 100 मर्ज का एक आहार, संयंत्र शक्ति, प्लांट पावर। सो एक चीज जरा ठीक से समझ लेते हैं, पौधे आधारित असंसाधित वनस्पति क्या है, प्लांट बेस्ड डाइट, वो भी होल फूड, होल असंसाधित, जिसको रिफाइंड नहीं किया है, जिसको प्रोसेस नहीं किया है, जो संसाधित नहीं है, टोटली क्लीन। वनस्पति आधारित होने का मतलब होता है कि जो आहार आप खाते हैं ये उसके बारे में बात करता है, ये जीवन शैली के बारे में नहीं है, ये आपके आहार के बारे में है। और ये कहता है कि सेवन जो पदार्थ आप खाते हैं वो सारे पौधों से हैं, सिर्फ पौधे की बेस पे है। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे प्रकृति चाहता है वैसे, कभी कभार कच्चा थोड़ा सा उबाल सकते हैं, लेकिन इसको आप बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी वनस्पति को लेके आपने तेल में बहुत कुछ उसको बना दिया, मसाला सा मिला के कुछ और ही बना दिया, तो वो होल नहीं रहा, वो असंसाधित नहीं रहा, वो प्रोसेस्ड हो गया है। तो यहां भी जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे सिर्फ होल प्लांट बेस्ड फूड, असंसाधित वनस्पति, ठीक सर। सो एक क्विक नजर मारते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो वीगन होता है वो कोई भी वनस्पति, सिर्फ वनस्पति खाता है, वो ये मांस, ये मच्छी, ये अंडा, इन सबको नहीं खाता। लेकिन जो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट वाला है, वो तेल भी कम से कम ना के बराबर इस्तेमाल करता है, वो कोई भी प्रोसेस नहीं करता है अपने खाने को, रिफाइन नहीं करता, क्लीन होल फूड खाता है। ये क्लैरिटी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि प्लांट बेस्ड सिर्फ एक डाइट है, और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वीगनिज्म जो बहुत बड़ा है उसके हम सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन। चलिए, अब मैंने आपको बता दिया, अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर रोहित, प्लीज टेक ओवर। धन्यवाद विघ्नेश जी, बहुत बढ़िया। जिस तरीके से आपने बताया कि शुद्ध शाकाहारी भोजन क्या लाभ है, उसे मुझे लगता है कि सभी लोगों को फायदा होगा। अभी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री डॉक्टर आनंद कुंडा जी को। ये बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, जिन्हें 20 वर्षों के ऊपर का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। इन्होंने अपना MBBS और MS मुंबई स्थित KM अस्पताल से किया था। उसके बाद में इन्होंने विट्रो रेटिना सर्जरी की ट्रेनिंग रेटिना फाउंडेशन अहमदाबाद में ली थी। इन्होंने बड़ी कठिन 2 परीक्षाएं जो UK में होती है, FRCS, वो क्लियर की है। वो करीब करीब 5 साल से आहार के ऊपर खुद से पढ़ रहे हैं और अपने पेशेंट्स को भी इसके बारे में समझा रहे हैं। कुमटा जी आज हमें समझाएंगे कि किस तरीके से सही पोषण से हम कई बीमारियां जैसे डायबिटीज, हृदय की बीमारियों से बच सकते हैं, और अगर किसी को हो गई तो उसे कैसे ठीक करा जा सकता है। कुमटा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू रोहित।
Rohit, am I seen? Is the presentation seen? Yes, sir. Yes, you see. Rohit? Yeah, it's seen. It's clearly seen. Namaste and good evening, everyone. आप सबको ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ. मैं भाविका सुप्तांकर को थैंक्स कहना चाहता हूँ ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए. एक प्रश्न से स्टार्ट करते हैं. ये जो प्रसिद्ध खिलाड़ियां हैं, जो प्रसिद्ध हॉलीवुड और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, ये जो बॉडी बिल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, और ये जो मैजेस्टिक एनिमल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इन इन सभी में समानता क्या है? तो इसका जवाब है कि ये सभी वीगन है, यानी ये सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं. ये कई डॉक्टर्स हैं जिनका मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर कैल्वेल एसलस्टाइन है, डॉक्टर जोएल फॉरमैन है, डॉक्टर जॉन मैकडूगल है. तो ये थोड़े अलग प्रकार के डॉक्टर्स हैं, इनको बोलते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन डॉक्टर्स. तो ये डॉक्टर्स पेशेंट्स को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज को क्योर करने के लिए वो दवाइयाँ नहीं देते हैं, वो सर्जरी एडवाइस कभी कभी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लाइफस्टाइल के द्वारा वो बीमारियों को हटाने की कोशिश करते हैं. जो कोई पेशेंट इनके पास जाता है तो इनके दवाइयाँ घट जाते हैं और बीमारियाँ ठीक होने लगते हैं बगैर मेडिसिन के, बगैर सर्जरी के. और जो भी मैंने नॉलेज पाया है इन्हीं डॉक्टर्स से पाया है, उनका रिसर्च स्टडी करके, इनका बुक्स पढ़ के, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से नॉलेज हासिल किया था वैसे ही. तो हम सब जानते हैं कि कई प्रकार के डाइट हैं, जैसे लो कार्बोहाइड्रेट कीटो डाइट है, पिरियो डाइट है, फिर अलग अलग लोग आपको अलग अलग राय देंगे डाइट के बारे में. कोई कोई लोग बोलेंगे आपको दो दो घंटे में खाना है, कोई कोई लोग बोलेंगे आपको हर 12 घंटे में खाना है, यानी दिन में दो ही बार खाना है. आप अगर जिम जाते हैं तो आपके जिम ट्रेनर बोलते हैं कि आपको सिर्फ प्रोटीन ही खाना है और कुछ नहीं खाना है. तो लेट सी कि आइडियल आहार क्या होता है. तो तीन बड़े स्टडीज किए गए थे, एक एडवेंटिस्ट हेल्थ स्टडी, एक एपिक ऑक्सफर्ड और एक सूची स्टडी. तो ये स्टडीज में अलग अलग जगहों पे किए गए थे और इनमें उनको जानना था कि जो मांसाहारी लोग हैं, जो वेजिटेरियन है, जो प्योर वेजिटेरियन है, ये तीनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन से लोगों को सबसे कम बीमारियां होती हैं. और इन्होंने बहुत सारे हजारों लोगों का स्टडी किया इसमें. तो इसके ये स्टडी का जो नतीजा था कि हर एक बीमारी, जो डायबिटीज हो, हृदय का रोग हो, या और कोई रोग हो, कैंसर हो, ये सभी रोग वेजिटेरियन और वीगन लोगों में सबसे कम पाए जाते थे. ये दो खास व्यक्तियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा. ये जो राइट साइड में दिख रहे हैं वो एक 104 ईयर ओल्ड हार्ट सर्जन है, जो 95 इयर्स के एज तक हार्ट सर्जरी करते थे. 100 इयर्स के एज पे वो अपना गार्डन का भी ख्याल रखते थे और लास्ट ईयर वो 104 इयर्स के एज पे उनका देहांत हो गया. वो 50 साल से, लास्ट 50 साल उनका लाइफ का वो वीगन थे, यानी वो कंप्लीटली प्लांट बेस्ड डाइट लेते थे. और ऑन द लेफ्ट साइड एक लेडी है एनेट लार्किंस, जो 76 इयर्स की है, और ये इनका करंट फोटोग्राफ है. इसमें उनका बिल्कुल कोई एजिंग आपको दिखाई नहीं देगा, कोई रिंकल्स नहीं दिखाई देंगे. उन्होंने कोई वो प्योरली प्लांट बेस्ड रॉ फूड डाइट पे हैं. उनका कोई रिंकल्स नहीं है, कोई फिलर्स उन्होंने नहीं किया है, बोटॉक्स नहीं किया है. तो आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के लिए कौन सा आहार सबसे अच्छा है. तो अगर आप ह्यूमन बींग्स का दांत देखेंगे तो वो हर्बीवोर्स, जो जैसे घोड़ा है जो या गाय है, उनके दांतों के बराबर रहता है और ओमनीवोर के बराबर नहीं रहता है. या जो मांस खाते हैं, जैसे टाइगर्स है, लायन है, उनके दांतों से बहुत अलग रहता है. अगर हम अपना गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट स्टडी करते हैं तो ये भी जो हर्बीवोर्स हैं, जैसे रैबिट है, गोट है, उनके उनके समान रहता है. और जो कार्निवोर का गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बहुत अलग रहता है. तो इससे ये साबित होता है कि हमारा जो आइडियल फूड है वो प्लांट फूड ही है. तो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें सब्जियां आते हैं, इसमें फल आते हैं, इसमें फलियां आते हैं, जैसे मूंग है, मटकी है, राजमा है. फिर इसमें इंटैक्ट ग्रेन्स आते हैं, यानी अनाज.
और इसमें थोड़े से नट्स और बीज भी आते हैं, और ऑफ कोर्स मसाले तो आते ही हैं इसमें। तो इसमें अगर अगर मैं आपको ये प्लेट दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसमें हर एक जो चीज रखा हुआ है आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और प्रोसेस फूड का मतलब है कि यहाँ पे आपको एक बर्गर दिखाई देता है, चिप्स दिखाई देते हैं, डोनट, केचप दिखाई देता है, तो आप इसमें इसको देखेंगे तो आप इजीली जान नहीं सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या डाला हुआ है। तो ये सब चीजें होल फूड डाइट में नहीं रहते हैं और इसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं रहता है। तो अगर ऑरेंज को आप फुल ऑरेंज देखेंगे तो ये होल फूड है, ऑरेंज जूस नहीं है। फिर दलिया होल फूड है, ब्राउन ब्रेड नहीं है, स्टील कट ओट्स होल फूड है, ओट्स कुकीज नहीं है, बिस्किट्स नहीं है। ब्राउन राइस को होल फूड कहा जाएगा, व्हाइट राइस प्रोसेस्ड है। लेकिन हर एक वीगन डाइट एकदम हेल्दी है ऐसा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि कोको कोला भी वीगन है, ओरियो भी वीगन है, मैकडॉनल्ड्स की चिप्स भी वीगन है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, इसको हम होल फूड नहीं बोलते हैं। तो ये जो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट से बीमारी कैसे नष्ट होती है ये जानने के लिए, कोई भी बीमारी में क्या क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो इसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, लाइपोटॉक्सिसिटी होता है। तो सूजन हर एक बीमारी में होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में होता है, डायबिटीज में होता है, कैंसर में होता है। और जो स्टडी किया गया था कि एक एक ब्लड का टेस्ट है उसको CRP बोलते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ओवरऑल शरीर में कितना सूजन है। तो जो भी वीगन डाइट या स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट पे है उनका CRP लेवल सबसे लो पाया गया दोनों स्टडीज में। फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन की वजह से डैमेज होता है, समझो आपने कोई लोहे का पाइप देखा तो उसके ऊपर जो जंग भर जाता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। आपने चटनी रखी, चटनी के ऊपर जो काला रंग जैसा हो जाता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बॉडी में एजिंग होता है और डिजीज होता है। और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, अगर आप एप्पल को कट करके उसके एक भाग पे आप अगर लेमन जूस लगा देंगे और एक हाफ पे नहीं लगाएंगे, तो जिस हाफ पे आपने नहीं लगाया वो काला पड़ जाता है और वो ऑक्सीडेशन की वजह से है। और जिसको आपने लेमन जूस लगाया है, क्योंकि लेमन जूस एंटीऑक्सीडेंट है इसलिए वो हेल्दी रह जाता है। तो जो हमारे प्लांट फूड्स हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, इसलिए एजिंग से और डिजीज से बचाते हैं। फिर तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बोलते हैं लिपोटॉक्सिसिटी। और ये क्या है कि शरीर के थोड़े टिश्यूज में चर्बी जाके भर जाती है। तो नॉर्मली चर्बी जो रहती है वो चमड़ी के नीचे रहती है, पेट के मोटापा रहता है, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं वो अलग टाइप के चर्बी की बात करें जो सेल्स के अंदर है, वो लिवर के सेल्स के अंदर है, वो मसल सेल्स के अंदर है, पैनक्रियाज में है, ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग में है, और इससे बहुत सारा बीमारी होता है और डायबिटीज का मेन कारण यही है। तो वीगन्स को सबसे कम इस टाइप का भी मोटापा और चर्बी सबसे कम रहता है। तो प्लांट फूड्स में क्या होता है कि बीमारी से हम दूर रहते हैं। एक तो जब हम होल प्लांट फूड्स खाते हैं हमारा ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ता नहीं है, इसमें बहुत सारा पानी रहता है, इसमें सूजन कम करने वाले बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, उनके अलग अलग नाम रहते हैं, कैरोटीनॉइड्स है, ITCs है, क्वर्सेटिन है, लाइकोपीन जो टोमेटो में रहता है, बहुत सारे अलग अलग नाम के पदार्थ हैं जो अनगिनत है। फिर इसमें बहुत ज्यादा फाइबर रहता है और फाइबर जो है वो सिर्फ प्लांट फूड्स में रहता है, और कैलोरिकली डाइल्यूट, यानी बहुत ज्यादा आप खाना खाएंगे होल फूड्स में भी उसमें कैलोरीज बहुत कम रहते हैं, इसलिए मोटापा आपको इजिली नहीं आता है। तो ये फाइबर क्या होता है, वो प्लांट फूड्स में रहता है, जैसे बीन्स में है, वेजिटेबल्स में है। तो ये झाड़ू का काम करता है, तो झाड़ू से आप कोलेस्ट्रॉल घटा सकते हैं, आपका पेट कम खाना खाने से आपका पेट भर जाता है, आपका इम्यूनिटी बढ़ जाता है, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, आपका ब्लड शुगर कम हो जाता है। फिर एनिमल प्रोडक्ट्स में ये क्या होता है कि जिससे हमको बीमारी हो जाती है, तो उसमें सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल भर भर के होता है। फिर थोड़े कंपाउंड्स रहते हैं जिसको TMAO बोलते हैं, जो हार्ट डिजीज से रिलेटेड है। फिर इसमें जो आयरन रहता है वो भी कैंसर प्रोड्यूसिंग आयरन रहता है। फिर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो जानवर को दिए गए हैं, हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, वो सब मांस में रहता है, जो जब हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाके हमारे हॉर्मोन्स का सत्यानाश कर देते हैं। फिर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स रहते हैं, कार्सिनोजेंस रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, जो मरे हुए बैक्टीरियाज का प्रोडक्ट्स को एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं। तो इससे बहुत सारे बीमारियां हो जाते हैं। और डेयरी की
बात डॉक्टर रूपा करेंगे, लेकिन इतना ही बताना चाहूंगा कि उसमें 50% फैट रहता है जो सैचुरेटेड फैट रहता है, तो ये हम इसको बहुत नेचुरल मानते हैं, लेकिन अगर आप ये स्लाइड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अननेचुरल है। और एक प्रोटीन फूड के बारे में मैं बात करूंगा, हम लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, तो बीन्स में भी प्लांट फूड ऑफ प्रोटीन है और मांस में एक एनिमल फूड है जिसमें प्रोटीन है, तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फाइबर है, फाइटोकेमिकल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो बीमारी को घटाते हैं, वो बहुत ज्यादा बीन्स में रहते हैं और मीट मांस में बिल्कुल नहीं रहते हैं। और जो खराब पदार्थ है जैसे सैचुरेटेड फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, हीमायन है, कंटामिनेंट्स है, ये सब सिर्फ मांस में आपको मिलेंगे, वो आपको बीन्स में नहीं मिलेंगे। फिर ये प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में क्या बात करेंगे जो आपको, तो प्रोसेस्ड फूड्स ये एक्चुअली इसको खाना बोल ही नहीं सकते हैं, ये खाने के जैसे दिखने वाला पदार्थ है, इसमें बेसिकली बंच ऑफ केमिकल्स है और बहुत सारे एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, और इसको हम जब भी हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो ये हमको नाम से बुलाएंगे कि आओ मुझे ले लो, तभी हमको बोलना है कि आप खाना नहीं हो, हम आपके पास नहीं देखेंगे। और ये बॉडी में बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जब हम खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर बहुत अचानक बढ़ जाता है और ब्लड फैट लेवल्स बढ़ जाते हैं। व्हाट अबाउट ऑयल, तो ऑयल हम बहुत लोग मानते हैं कि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, राइस ब्रान ऑयल बहुत अच्छा है, लेकिन ऑयल 100% प्योर फैट है, इसमें फाइबर है ही नहीं, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है, इससे सूजन बढ़ता है क्योंकि वो ज्यादातर ओमेगा 6 रहते हैं, ओमेगा 3 फैट्स जैसे वॉलनट है, फ्लैक्सीड है, उससे आपका सूजन कम हो जाता है, लेकिन ओमेगा 6 ऑयल से आपका सूजन बढ़ जाता है। फिर हमारा जो ब्लड है वो एकदम स्लगिश हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, इसलिए जितना आप ऑयल डाइट में से निकाल देंगे उतना आपका सेहत अच्छा हो जाएगा। तो भी थोड़े बीमारियों के बारे में बात करते हैं, मधुमेह बीमारी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली दो टाइप की बीमारी रहते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 आप जैसे जानते हैं कि वो इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसमें इंसुलिन बनता नहीं है और वो बच्चों में और यंगर पेशेंट्स में पाया जाता है, जो वो ज्यादा कॉमन नहीं है। टाइप 2 जो कॉमन है उसमें इंसुलिन एक्चुअली नॉर्मल रहता है, लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं करता है, वो क्यों नहीं काम करता है हम बाद में बात करेंगे। तो टाइप 1 जो डायबिटीज है उसका दूध और दूध के प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं। तो इसका कारण ये है कि जो दूध हमारे बॉडी के लिए बना ही नहीं है, गाय का दूध हमारे बॉडी के लिए जो बनाया गया है हमारी माँ देती है, तो ये जो दूध है वो हमारे गट में से, लीकी गट में से ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर देता है और हमारा बॉडी इसको रिकग्नाइज करता है कि ये हमारा बॉडी का पदार्थ नहीं है, तो हमारा बॉडी इसको एंटीबॉडीज पैदा करता है और ये एंटीबॉडीज जो है वो उसको अटैक करते हैं। लेकिन ये जो मिल्क प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर है, वो जो अपने पैनक्रियाज में से जो बीटा सेल्स है जिसमें से इंसुलिन बनता है उसके जैसे ही रहता है, तो ये जो एंटीबॉडीज है हमारे पैनक्रियाज को अटैक करके, उसमें सेल्स को अटैक करके वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और ऐसे टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। तो ये इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज और ये पब्लिश भी किया गया है। तो टाइप 2 के बारे में क्या बात करेंगे, हम लोग को लगता है कि ये टाइप 2 ज्यादा शक्कर खाने की वजह से है, सब डायबिटिक पेशेंट शक्कर बंद कर देते हैं, मैदा बंद कर देते हैं, लेकिन उनका डायबिटीज कभी अच्छा नहीं होता है, तो इसका कारण कुछ अलग है और ये कारण क्या है, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मैं एक पेशेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जो 20 साल से डायबिटिक पेशेंट था, इंसुलिन पे था और वो मेरे पास आया था, उसका नजर कम हो गया था। तो ये उनका पर्दे का, अंदर के पर्दे का फोटोग्राफ है, तो ये जो बीच का आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको मैक्यूला बोलते हैं और ये पर्दे में उसको सूजन हो गया था इसलिए इसका नजर कम हो गया था। और लास्ट 3-4 साल से उसने इतना इंसुलिन और गोली लिया था कि इसका 30-40 किलो वजन बढ़ गया था। तो उस समय मैं खराब मूड में था, ऐसे पेशेंट से तो बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने बोला कि आप इतने फूक गए हैं कि सिर्फ बैरियाट्रिक सर्जरी से आप बच सकते हैं, जैसा बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो मान गए, मैंने एक्चुअली सार्कास्टिकली बोला था, वो चले गए। और फिर 1 महीने के बाद जब वो आए तो उन्होंने बैरियाट्रिक सर्जरी कर लिया था, उनका 1 महीने में 20 किलो वजन कम हो गया। और अचरज की ये बात है कि उनका नजर नॉर्मल हो गया था और जब मैंने ये स्कैन किया तो पता चला कि पर्दे का सूजन तो बिल्कुल चला गया है। एक अगले 3-4 महीनों में इनका पूरा 60 किलो का वजन कम हो गया, वो डायबिटीज से मुक्त हो गए, उनको कोई डायबिटीज की गोली नहीं थी, सिर्फ एक मेटफॉर्मिन की गोली उनको चालू थी। तो इधर सवाल ये उठता है कि अगर इनका वजन घटाने से इनका डायबिटीज चला गया,
तो इनको ये इंसुलिन की जरूरत थी, इनको ये गोलियों की जरूरत थी। अगर समझो ये बैरियाट्रिक सर्जरी नहीं कराते थे, वजन कम नहीं होता था, तो इनका आंखों का क्या हाल होता था, कि किडनी का क्या हाल होता था, कितना ज्यादा मैं ट्रीटमेंट कर सकता था इसके लिए। तो इससे बहुत सारे मुझे सवालों का जवाब मिल गया। तो जो जिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिन जो मोटे हैं या जिनको चर्बी ज्यादा है, वो वेट लॉस करेंगे, 1/5-20% उनका वेट लॉस करेंगे, तो इनका ज्यादातर लोगों का डायबिटीज चला जाएगा। तो डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज क्यों होता है? जो हमारा इंसुलिन है वो एक्चुअली अपने ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए आमंत्रित करता है। तो ये जैसे चाबी है और लॉक है, उस तरीके से वो एक्ट करता है। समझो आप चाबी से अपना लॉक खोलने को जाएंगे, और समझो कोई नटखट बच्चे ने वो लॉक के अंदर च्यूइंग गम डाल दिया है, तो आप वो लॉक को खोल नहीं पाएंगे अपने चाबी से। तो वैसे ही होता है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में। ये आप सेल के अंदर चर्बी देख रहे हैं, तो ये चर्बी च्यूइंग गम के जैसा वो इंसुलिन को लॉक खोलने से रोक देता है, और इसलिए जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं आ सकता है और ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज ये डायबिटीज का टाइप 2 डायबिटीज का कारण है एक्सेस चर्बी, शरीर के ऊपर चर्बी और खाने में चर्बी, जो अल्टीमेटली सेल के अंदर जाके बैठ जाता है। तो ये बेसिकली होता है मेनली मांस मिल्क अंडे का जो येलो पार्ट है, और वेजिटेबल ऑयल से जो फैट आता है उसकी वजह से होता है। तो डॉक्टर नील बार्नार्ड करके एक बहुत फेमस डॉक्टर है यूएस में, जिन्होंने 71% पेशेंट्स को सिर्फ 26 दिन के अंदर उनके सब गोलियां बंद करा के ये इसी डाइट पे उन्होंने बंद कराए हैं। तो मैं 2 पेशेंट के बारे में बताना चाहूंगा। ये एक पेशेंट थे जो 50-60 यूनिट इंसुलिन पे थे, वो एक साल में उन्होंने 30 किलो वजन कम किया होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पे। उनका इंसुलिन बंद हो गया, 75% गोलियां भी बंद हो गए, ब्लड प्रेशर कंप्लीटली बंद हो गया। और एक पेशेंट है जो 40 इयर्स के हैं, उनको 80 यूनिट इंसुलिन चालू था। उनको मैंने जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है मधुरा वायाल, जो बहुत कमाल के न्यूट्रिशनिस्ट है, उन्होंने उनके पास भेजा। उनका डाइट फॉलो करके उन्होंने 25 किलो वेट लॉस किया और उनका सब इंसुलिन बंद हो गया। और जो HbA1c है, 3 महीने का जो शक्कर है, वो 13% से नॉर्मल 6.4 पे आ गया। हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके डाइट और एक्सरसाइज से उनका पर्दे का भी कंडीशन इंप्रूव हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर ट्रीटमेंट सब चर्बी भरी हुए पर्दे में, और ये चर्बी निकल गई है। हार्ट डिजीज के बारे में क्या बात करें, क्या हम ये आहार के द्वारा हार्ट डिजीज को बचा सकते हैं? तो ये एक्चुअली इसका स्टडी हो चुका है। तो ये एक बहुत मशहूर डॉक्टर है, डॉक्टर कैलविल एसलस्टाइन, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। तो उन्होंने जो स्टडी किया था उसमें उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को लिया था, और उन्होंने उसमें से करीब 90% लोगों को एक डाइट पे डाला, और बाकी के जो 11% है उन्होंने बोला कि हम डाइट करने को लिए तो तैयार तो है नहीं। तो उन्होंने होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पे डाला, इसमें ऑयल नहीं था, डेयरी नहीं था, नॉनवेज नहीं था। तो इसके रिजल्ट्स इतने रिमार्केबल थे कि आप यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं कि जो कॉरोनरी एंजियोग्राफी किया था, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आर्टरी कम्प्लीटली ब्लॉक हुआ है, ये आर्टरी 32 मंथ्स में ये कम्प्लीटली खुल गया। और बहुत सारे पेशेंट्स का सिर्फ 3 हफ्ते में ये ब्लड फ्लो का जो स्कैन से पता चलता है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, ये सिर्फ 3 हफ्ते की बात है। तो जिन्होंने डाइट नहीं किया था उनके अगले 3-4 सालों में 60% लोगों को नया हार्ट अटैक या स्ट्रोक आया, और जिन्होंने ये डाइट अडॉप्ट किया उनको सिर्फ 0.6% में हुआ। इसका मतलब है कि 100% डिक्रीज हुआ एडवर्स इवेंट्स में। इसका अगर कोई दवाई बनता था तो उसको हम जादू का दवाई बोलेंगे, लेकिन ये है खाने का जादू है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी ये किया है, और 40% कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है बिना कोई कोलेस्ट्रॉल के दवाइयों से, ये डाइट पे। मुझे खुद हाइपरलिपिडिमिया और कोलेस्ट्रॉल था, जो मैंने वीगन बनने के बाद विदिन 2-3 मंथ्स पूरा कोलेस्ट्रॉल चला गया। तो ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा मैंने टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बात किया था। ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, स्किन में सोरियासिस है, लंग्स में फाइब्रोसिस है, फिर गट में सीलियक डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ब्रेन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ये सब बीमारियों में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो अपने ही बॉडी को अटैक करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स हम ही पे हमला करने लगे तो क्या नुकसान हो सकता है।
तो हमारा इम्यून सिस्टम अपने पे ही हमला करता है। तो इसका कारण क्या है, इसका एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, उसको मॉलिक्यूलर मिमिक्री बोलते हैं। तो हमारा जो हमारा जो आहार है, इसमें जो अननेचुरल प्रोडक्ट्स है जैसे एनिमल प्रोटीन है, तो वो कभी कभी हमारे गट में से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। हमारा बॉडी इसको रिकग्नाइज करता है कि ये हमारे हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये प्लांट फूड नहीं है। तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट आर्मी पैदा करता है, जिसको एंटीबॉडीज बोलते हैं, इम्यून सेल्स बोलते हैं। और ये जो पदार्थ है, जो एनिमल प्रोटीन्स है, हमारे बॉडी के टिश्यूज के करीब करीब होता है, इसलिए जो एंटीबॉडीज है हमारे ही टिश्यूज को अटैक करते हैं, जैसे थायराइड को अटैक करते हैं, स्किन को अटैक करते हैं, जॉइंट्स को अटैक करते हैं। तो हम किसी और जानवर के मसल्स खाते हैं और हमारे जॉइंट्स को वो वही एंटीबॉडीज अटैक करते हैं। तो इसका बहुत रिसर्च हो चुका है कि बहुत सारे जो ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं वो वीगन डाइट से इम्प्रूव होते हैं। तो इसमें एक और मैं कहानी बताना चाहता हूँ, बहुत दिलचस्प कहानी है। तो ये एक डॉक्टर ब्रूक गोल्डर है, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, वो खुद एक एमडी डॉक्टर है। उनको एक लूपस नाम का एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गया था और वो स्टेज 4 रीनल फेलियर में थे 16 की उम्र पे। और उन डॉक्टर्स ने बताया था कि वो 6 महीने के ऊपर जिंदा नहीं रहने वाले हैं। उनको माइग्रेन भी था, आर्थराइटिस था, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था। तो इनको बहुत सारा कीमोथेरेपी वगैरह दिया गया, लेकिन उनका वो वापस आते रहा। वो बहुत ज्यादा चीज और ये खाते थे, वो वेजिटेरियन थे लेकिन बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स खाते थे। तो उनके जो फियांसी थे, उन्होंने उनको एक डाइट पे चालू किया, सिर्फ बहुत ज्यादा रॉ प्लांट फूड था, नो मीट, नो डेयरी, नो प्रोसेस्ड फूड। तो इनका वजन भी कम हो गया, बहुत सारे फायदे हुए, उनका कंप्लीटली बीमारी निकल गया और वो 100% नॉर्मल है। उनका लुपस टेस्ट भी नेगेटिव है और अभी उनका लाइफ का ये मिशन है कि दुनिया में जो कोई भी पेशेंट्स ऑटोइम्यून बीमारी के मरीज हैं, उनको वो स्काइप के द्वारा या उनके वेबसाइट के द्वारा उनको हेल्प करते हैं। और मेरी दरखास्त रहेगी कि आप सब लोग ये किताब को पढ़ें, गुड बाय लुपस, जिनको भी ऑटोइम्यून बीमारी से की शिकायत है। तो वीनस विलियम्स जो प्रसिद्ध टेनिस स्टार है, उनको भी एक बीमारी थी जोग्रेन सिंड्रोम, जो चली गई 2011 में होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पे। उसके बाद में उनकी बहन ने भी यही डाइट फॉलो किया। कैंसर जो हमारा स्टैंडर्ड डाइट है, उसमें जो भी पदार्थ है जैसे मिल्क है, एनिमल प्रोडक्ट्स है, उससे कैंसर बढ़ जाता है। और जो प्लांट प्रोडक्ट्स है उससे अपना कैंसर घट जाता है, क्योंकि इसमें जो स्पेशल प्रोटेक्टिव केमिकल्स रहते हैं वो कैंसर को एक्चुअली मारते हैं। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर सेल्स एक पेट्री डिश में लेंगे और उसके ऊपर आप ब्रोकोली जूस डालेंगे, तो वो कैंसर सेल्स 95% मर जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी कैंसर सेल्स पे दूध डाल देंगे तो वो ज्यादा प्रोलिफरेट हो जाएंगे। तो इसमें थोड़े डॉक्टर जोएल फोरमैन के अकॉर्डिंग टू ये जी बॉम्ब्स आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैंसर से बचाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो एक तो है ग्रीन हरे पत्ते की सब्जी, फिर बीन्स जैसे राजमा वगैरह, फिर ऑनियंस, मशरूम्स, बेरीज यानी जैसे स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरीज है, क्रैनबेरीज है, और सीड्स एंड नट्स। व्हाट अबाउट किडनी डिजीज? तो हम सभी लोग जानते हैं कि नॉनवेज खाने से किडनी खराब हो जाता है। हम जितना ज्यादा प्रोटीन खाते हैं वो किडनीज पे लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है और किडनी फेल हो जाता है। मैंने बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स देखे हैं जिनका क्रिएटिनिन 3.54 हुआ है, और जब मैं उनको मीट और डेयरी खाने को बंद कर देता हूं तो उनका क्रिएटिनिन 4.5 से 2.5-3 पे आ जाता है। ये बेसिकली एसिड लोड की वजह से है और प्लांट प्रोडक्ट से किडनी बच जाती है। तो जब भी कोई खराब बीमारी रहती है, हमारे पास दो चॉइस रहता है। एक तो हम कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं करें और सिर्फ मेडिसिन पे जाए, मेडिसिन और सर्जरी पे, या तो दूसरा हम लाइफस्टाइल चेंज करके हमारी बीमारी को जड़ से हटा दे। तो दवाइयों से क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डायबिटीज के दवाइयों से अपना वजन बढ़ जाता है, वो वजन बढ़ने की वजह से डायबिटीज और खराब हो जाता है और मेडिसिन हो जाते हैं। तो ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह जैसे हो जाता है जिसमें आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज से हम निकल सकते हैं। तो हमारा जो खाना है वही अपना मेडिसिन होना चाहिए। तो हमको बेसिकली कॉज को ट्रीट करना चाहिए, सिम्टम को नहीं। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे घर में, हमारे फैमिली में डायबिटीज है तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फैमिली में डायबिटीज होगा लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल है वो उसको ट्रिगर करता है। जैसे और एक मिथ है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से डायबिटीज हो जाता है, उसका एक्चुअल ये है फैक्ट है कि वो सैचुरेट फैट की वजह से होता है, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर का मोटापा बढ़ जाता है।
तो सभी कार्बोहाइड्रेट्स खराब नहीं है, ये होल फूड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छे हैं, बैड कार्बोहाइड्रेट्स यानी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, और लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन डाइट्स एक्चुअली बहुत अनसेफ है। तो हम कंक्लूड करेंगे, लास्ट दो तीन स्लाइड्स हैं, तो हमको मोटापा घटाना चाहिए, हमको सिर्फ होल फूड्स खाने चाहिए, प्रोसेस्ड फूड्स बिल्कुल नहीं, और पेट भर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा कम खाना चाहिए। इसको हारी हचू बू कहते हैं, ओकिनावंस के पानी ही पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए रोज 1 घंटा, फिर सप्लीमेंट्स विटामिन डी और विटामिन B12 सभी को लेना चाहिए। ये बहुत सारे किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपके बहुत सारी बीमारियां बंद हो सकते हैं, और ये डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी का भी किताब है फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज, ये आप पढ़ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्रीज आप जरूर देख लीजिए, ये वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और थैंक यू एवरीवन, ईट द रेनबो और नॉट द मोर्ग, थैंक यू। मैं गुप्ता जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, उन्होंने हमें समझाया है कि किस तरीके से हम बीमारी को जड़ से निकाल सकते हैं और सही पोषण से हम इलाज कर सकते हैं और दवाइयों से भी बच सकते हैं और जो बीमारी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे भी बच सकते हैं। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मधुरा जी का। मधुरा जी शुद्ध शाकाहारी पोषण की विशेषज्ञ है और वो खुद भी काफी मोटापे से परेशान थी, उस दौरान उन्होंने इस शुद्ध शाकाहारी पोषण को अपनाया और इसकी ट्रेनिंग ली। कई सालों से इन्होंने कई पेशेंटों की डायबिटीज और हृदय की बीमारी रिवर्स की है, यानी कि जड़ से निकाली है, और यहाँ तक कि कई पेशेंटों की दवाइयां भी बनती है। मधुराई जी आपका स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर रोहित, मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ अभी। आपको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। तो नमस्कार एवरीबॉडी, मेरा आज का टॉपिक है कि आपने मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल की अगर आपको कोई तकलीफ है तो उसमें आपने क्या आहार खाना चाहिए। तो उसके पहले मुझे आपको ये बताना है कि मैं खुद इससे गुजर चुकी हूँ। 12 साल पहले मुझे स्ट्रोक आया था जिसमें मेरा ब्लड प्रेशर 220/180 था और मुझे एक साइड पे पैरालिसिस हुआ था। तो तब मैंने ये सब डाइट फॉलो करके सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड लेके खुद का हाई ब्लड प्रेशर और मेरा स्ट्रोक के सारे सिम्टम्स मैंने ठीक किए हैं, और इसीलिए मैं अभी ये सब लोगों को उसका अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ ताकि आप भी सिर्फ अपना आहार बदल के अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो रोगों का कारण क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने पहले इसमें देखा कि अतिरिक्त मोटापा, जैसे बहुत चर्बी होने के कारण, या अतिरिक्त प्रोटीन अगर अपने आहार में है, जैसे पशु का प्रोटीन है, या फाइबर की कमी है, क्योंकि फाइबर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें बिल्कुल ठीक कर सकती है, क्योंकि एक बिल्कुल झाड़ू की तरह काम करती है। जो बॉडी में अतिरिक्त टॉक्सिन्स है या अतिरिक्त मोटापा है या अतिरिक्त कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें तकलीफ दे रही है, सिर्फ फाइबर उससे हमें मुक्त करा सकती है। तो हमारे डाइट में ये सब चीज़ें, जैसे फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, पशु का कोई प्रोटीन या पशु के कोई भी पदार्थ नहीं होने चाहिए, और कोई भी स्निग्ध पदार्थ एड ऑन नहीं होना चाहिए, जैसे ऑयल है, बटर है, ये सब नहीं होने चाहिए। तो हमें ज़रूरत है हाई फाइबर की, जैसे मैंने अभी बोला, फिर ज़्यादा पोषण या ज़्यादा तत्व की, जैसे वाइटामिन है, मिनरल्स है, एंटी ऑक्सीडेंट्स है, ये सब ज़्यादा होने चाहिए। फिर जो अल्कलाइन डाइट है या जो खार के गुण है वो ज़्यादा हमारे ब्लड में होने चाहिए, और हम लोगों ने साबुत कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, जो होल कार्बोहाइड्रेट्स है वो खाने चाहिए। अगर ये चार चीज़ों की हम लोग ध्यान रखते हैं तो हमारे कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती, और हम अगर किसी बीमारी से गुजर रहे थे वो बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। तो अतिरिक्त मोटापा हम कैसे कम कर, क्योंकि जैसे मधुमेह है या कोई भी हार्ट डिजीज है, कैंसर है, किडनी डिजीज है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटापा है या स्निग्ध पदार्थ है उसके वजह से होता है।
तो हमारे लिए सही भोजन कौन सा है? अगर आप ये चित्र देखेंगे स्क्रीन पे तो ये देख के ही हमें ऐसा लगता है कि हाँ उसमें से सेब उठा लूँ या पोमोग्रेनेट डालन उठा लूँ या बेरीज उठा लूँ, आमंड उठा लूँ। तो जो हमें अपनी ओर खींचता है वही हमारा असली भोजन है। जब हम कोई भी फल के बाग में जाते हैं या आम देखते हैं, हमें खाने का मन करता है क्योंकि हम लोग के इंस्टिंक्ट्स वैसे है, हमें वो खाना ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन हम जब किसी गाय को चलते हुए देखते हैं या कोई बकरा जा रहा है या कोई चिकन जा रहा है, हमको ऐसे मन नहीं करता कि उस पर उस पर जाए और उसको लेके खाए। तो हमारे इंस्टिंक्ट्स ऐसे नहीं है, हमारे इंस्टिंक्ट्स फल और सब्जियां खाने के लिए ही है। तो मनुष्य ने क्या या मानव ने कौन से प्राकृतिक भोजन खाने चाहिए? तो उसमें है फल, सब्जियां, अनाज जो साबुत है, मतलब उसके कोई छिलका या प्रोसेसिंग हुआ नहीं है, फलियां मतलब कि बीन्स जैसे राजमा, छोले, ये सब, वो भी कोई भी प्रोसेस नहीं है, जो उसमें उसका फाइबर इंटैक्ट है, बादाम, अखरोट जैसे नट्स है, और बीज, ये है हमारे असली भोजन। तो इसके अलावा अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो हमारे वो नेचुरल फूड में नहीं आता, वो होता है जो प्रोसेस्ड है, रिफाइंड है, जो नेचर हमें देता है वो हमें खाना चाहिए। जो मानव खुद उसमें प्रोसेसिंग करता है या बदलता है वो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। तो हमें एक मतलब हमें एक शिफ्ट करना चाहिए। जो हम लोग अभी खा रहे हैं, अगर कोई चीज़ खाने से हमको बीमारी आ रही है या कोई तकलीफ हो रही है तो वो खाना और खाने से वो बीमारी नहीं जाएगी, वो खाना बदलने से ही बीमारी कम हो सकती है। तो हमें वो कॉन्शियस चेंज लाना है हमारे आहार में। तो जो पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स है, जो रासायनिक खाद्य पदार्थ है, वो हमें चेंज करके उसको जैविक बनाना है, जैसे ऑर्गेनिक। क्योंकि पेस्टिसाइड जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सारी तकलीफें उत्पन्न कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बीमारियों की जड़ बन सकते हैं। फिर जो रिफाइंड खाद्य पदार्थ है, जैसे मैदा है, वाइट राइस है या शक्कर है, ये सब निकाल के हमें संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाने हैं, जैसे जिसके छिलके नहीं उतारे हो, जिसका पॉलिश नहीं किया हो, क्योंकि जो फाइबर होता है वही हमारे बॉडी को क्लीन कर सकता है। फिर जो तैयार या प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ है वो कम से कम, क्योंकि अगर आपने किसी तैयार खाद्य पदार्थ का एक्सपायरी डेट देखा हो, जैसे तेल है, तो अगर हम घर पे तेल बनाएंगे तो वो 7 या 10 दिन में खराब हो जाएगा। लेकिन आप जो भी पैकेट लेके आते हो उसका एक्सपायरी डेट 6 महीने से लेके 2 साल तक होता है। तो ये खाने में इतना केमिकल होता है, इतना प्रोसेसिंग हो चुका है कि वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए उसके बजाय अगर हम ताज़ा खाद्य पदार्थ, जो फ्रेश फूड है, वो खाए तो हमें उससे ज़्यादा हेल्प मिलती है। पशु खाद्य पदार्थों को बिल्कुल निकाल के, जो प्रोडक्ट्स आपको पशुओं से मिलते हैं, जैसे दूध है, दूध के प्रोडक्ट्स है, जैसे घी, बटर, डॉक्टर रूपा आपको बताएंगी उनके बारे में, या कोई भी मीट या मीट प्रोडक्ट्स है, वो सब हमको निकाल देने हैं और उसके बदले हमको वनस्पति खाद्य पदार्थ डालने हैं। और जो बनावटी खाद्य पदार्थ है, जैसे अभी मार्केट में बहुत बार होता है कि बहुत एडल्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होता है, वो सब निकाल के हमें प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाने। तो अगर ये शिफ्ट हम करेंगे तो हमारी बॉडी बिल्कुल नेचुरल हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है और कोई भी उसमें बीमारी नहीं टिकती। तो कौन से रिफाइंड खाद्य पदार्थ हमें नहीं खाने? जैसे मैंने बोला, मैदा नहीं है, वाइट चावल नहीं है, शक्कर नहीं है, कोई भी पॉलिश्ड ग्रेन्स या पल्सेस नहीं है, ऑयल नहीं है। अभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे जोड़ों के लिए हमको ऑयल की ज़रूरत है, तो हम कोई भी मशीन या कोई ऐसे कार नहीं है जो हमको ऑयल की ज़रूरत है, हमको फैट की ज़रूरत है या स्निग्ध पदार्थ जो नेचुरली मिलते हैं उसकी ज़रूरत है, लेकिन हमको ऑयल की नहीं है, क्योंकि ऑयल में बिल्कुल फाइबर नहीं होता। जैसे मैंने अगर एक चिप्स का पैकेट खोला आपके सामने तो आप कभी भी एक पे रुक नहीं सकते, क्योंकि वो इतना एडिक्टिव होता है कि आपका हाथ वापस अंदर जाएगा, आप खाते ही रहोगे। एक पैकेट खत्म होने के बाद और एक पैकेट खाने का मन करेगा, फिर भी भूख नहीं मिटेगी। तो ऑयल से सिर्फ एडिक्शन होता है और कुछ भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फ्रूट जूसेस भी हम लोग नहीं अलाउ करते क्योंकि उसमें बिल्कुल फाइबर नहीं है, आप ज़्यादा पीते रहते हो और उससे फिर शुगर बढ़ने की तकलीफ होती है। कोई भी पास्ता नूडल जो मैदे के बनते हैं वो नहीं खाने हैं, और कोई भी बेकरी आइटम, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बटर होता है, दूध होता है, शक्कर होता है, मैदा होता है, तो ये सब रिफाइंड आइटम हमें नहीं खाने हैं। तो हमें क्या खाना है और कितने प्रपोर्शन में खाना है, तो ये 80-10-10 जो हिसाब है वो हमें ध्यान में रखना है। 80 क्या है? 80 होते हैं साबुत कार्बोहाइड्रेट, जो होल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जिसमें ज़्यादा फाइबर होता है, वो हमें खाने हैं। 10 होते हैं प्रोटीन, क्योंकि हमारी किडनी और हमारा लिवर सिर्फ एक ही उतने ही मात्रा में प्रोटीन झेल सकता है, उससे ज़्यादा हो जाए तो हमें
गुर्दे की या लिवर की बीमारियां हो सकती है। चर्बी भी हमें सिर्फ 10% ही चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जैसे लिवर है, अगर अपने ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, नर्वस सिस्टम को फैट की जरूरत है, तो हमारी लिवर हमारे लिए वो बना सकती है, हमें एडिशनल लेने की जरूरत नहीं है। जो मेंटेनेंस के लिए चाहिए वो 10% हर एक नेचुरल फूड में अवेलेबल है। आप कुछ भी उठा लो, एक केला उठा लो, अनाज उठा लो या हरी सब्जी उठा लो, उसमें आपको 10% चर्बी और 10% प्रोटीन हमेशा मिलेंगे। अगर ये 80-10-10 रेशो आपने संभाला तो आपको बाकी सब कुछ मिलता है, जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो सब बराबर आपके आहार में आ जाते हैं। तो प्रोटीन अधिक खपत में अगर आप खाओगे तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, गुर्दे की बीमारी हो सकती है, गाउट हो सकता है, पेट के गैस, कैंसर, एलर्जीज, ये सब हमको अगर ज़्यादा प्रोटीन हो आहार में तो हो सकता है। और प्रोटीन बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रोटीन एसिडिक है और एसिडिटी में ही बीमारियां पलती है, तो अगर हम एसिडिटी कम कर सकते हैं तो सब बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो हमें प्रोटीन किस, अगर क्योंकि हमें बहुत डर लगता है कि हम लोगों ने दूध बंद कर दिया, मांस बंद कर दिया, तो हमको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में वनस्पति पदार्थ में है, जैसे डॉक्टर रोहित आपको अभी बताएंगे, लेकिन जैसे चिकपीज है, राजमा है, ब्रोकली है, टोफू है, पालक है, इन सब में प्रोटीन बहुत अच्छे प्रतिशत में है। जैसे ग्रीन्स में 49-51% प्रोटीन है, बीन्स में 25-30% प्रोटीन है, और ये चिकन, मटन, दूध सबसे ज्यादा है, मतलब ज्यादा प्रतिशत में आपको प्लांट बेस्ड से मिलता है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चर्बी चाहिए, जैसे हम मैंने पहले भी बोला, आपको ऑयल की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे फैट या अच्छे चर्बी की जरूरत है, तो वो हमें जैसे पीनट्स है, मूंगफली है, नारियल है, सेसमी या तिल है, फ्लैक्सीड या अलसी के दाने हैं, उसमें से आपको अच्छे से मिल सकता है। हमें बैड फैट्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हमारे आर्टरीज में जाके बैठ जाते हैं और फिर हमको हार्ट डिजीज होने के खतरा है। तो हमें सिर्फ अच्छी चर्बी या अच्छा फैट चाहिए, बिल्कुल ऑयल बटर की ज़रूरत नहीं है। सैचुरेटेड फैट्स मुख्यतर पशुओं के प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। म्यूफा और प्यूफा जो हमें आवश्यक है वो सब प्लांट बेस्ड फूड्स में अवेलेबल है, और फल और सब्जियों में 10% फैट हमेशा हमें मिलता है। तो कौन से खाद्य पदार्थ खाने से हमको चर्बी मिल सकती है? जैसे बादाम है, आवाकाडोज है, कोको है, सोयाबीन है, तिल है, नारियल है, अलसी के दाने हैं, चिया सीड्स है, ये सब खा के हमें अच्छी वाली जो चर्बी है वो मिल सकती है। फाइबर की कमी से बहुत सारे बीमारियां होती है जो मैंने बोला, तो अगर हम ऐसे पैकेट्स में से खाना खाएंगे तो हमें बिल्कुल फाइबर नहीं मिलता, लेकिन हम ऐसे ही कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएंगे तो हमको उतनी ज़्यादा फाइबर मिलता है। तो शरण में, जैसे मैं एक डाइटिशियन हूँ शरण नाम के ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे मैं डाइट कंसल्टेशन करती हूँ, तो हम वहाँ पे एक 5-point प्लान फॉलो करते हैं। जैसे पहला है, सब कुछ हमें वनस्पति से मिलता है, सब साबुत होना चाहिए, सब ऑर्गेनिक या जैविक होना चाहिए, और विटामिन डी और B12 अच्छे क्वांटिटी या होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें आहार से नहीं मिलता, अनफॉर्चुनेटली हमको इसका सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। तो अगर आप खुद को टेस्ट करेंगे और देखेंगे और अपने डॉक्टर के पास जाके इसका सप्लीमेंट लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हर सिस्टम में इसका एक रोल होता है। तो अगर मिठाई खाने का आपको शौक है तो हम, अभी मैंने बोला वाइट शुगर नहीं खा सकते, तो हम क्या क्या खा सकते हैं? जैसे खजूर है, रेजिन्स है, फिग्स है, एप्रिकॉट्स है, और अगर आपको मधुमेह की बीमारी नहीं है या आप कोई भी रिवर्सल पे नहीं हो तो आप गन्ने का जूस और जैगरी या गुड़ भी थोड़ा खा सकते हो। तो सारी मिठाई, सारे केक, आइसक्रीम सब कुछ बन सकते हैं प्लांट बेस्ड डाइट में। आपको ऐसे कभी नहीं लगेगा कि आपको कोई कुछ कमी पड़ रही हो, आपको सब कुछ खाना छोड़ना पड़ रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। आपकी प्लेट ऐसी दिखनी चाहिए जिसमें 50% खाना रॉ या कच्चा होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से अच्छे से आपको फाइबर मिलता है, और कुक्ड खाना पचाने के लिए रॉ खाना बिल्कुल जरूरी है। तो ज्यादा से अभी आप देखेंगे हम लोग अभी क्या फॉलो कर रहे हैं, तो सुबह उठ के पहले ही हम लोग एसिडिक उठते हैं, और उसमें हम ज्यादातर टी, कॉफी या कुछ एसिड जैसा कुछ सुबह ले लेते हैं जिसमें दूध है, शक्कर है, इससे ज्यादा एसिडिटी बढ़ती है। फिर हम लोग नाश्ते में कुछ खाएंगे जिसमें ब्रेड है, बटर है, पोहा, उपमा, चीला, जिसमें तेल होता है, तो ये सब चीजों से भी एसिडिटी ज्यादा बढ़ती है, कुक्ड खाने से भी बढ़ती है।
फिर वापस हम लोग थोड़ा टी या फ्रूट लेंगे, फिर दोपहर को खाना खाएंगे उसमें बहुत कम सैलड, सैलड के नाम पे सिर्फ ककड़ी या गाजर होता है। शाम को फिर वापस चाय पीनट चकना कुछ खाते हैं जो बहुत तर ऑयली या कुछ प्रोसेस फूड होता है जिससे हमें हानि मिलती है, और रात को वापस कुछ अच्छा कम्फर्ट फूड चाहिए होता है क्योंकि दिन की थकावट होती है, तो वापस वड़ा पाव चाट सेब फरसान होता है, और रात को 9 बजे हम लोग वापस खाते, तो हम लोग खाते ही रहते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ तेल या प्रोसेस फूड होता है और कम से कम फाइबर होता है। इसके वजह से हमारी जो बीमारियां होती है वो बढ़ती जाती है। अगर हम उसके कॉज तक गए और कॉज निकाला तो कोई बीमारी हो नहीं सकती, कोई भी दवाई कोई भी बीमारी कभी भी ठीक नहीं करती। तो अगर हम लोग थोड़े से मेन्यू में हमारे चेंज करें, जैसे सुबह उठ के पहले आप कोई भी हर्बल इन्फ्यूजन, जैसे पानी में आप थोड़े पुदीना या अदरक डाल के उसका घोल बना के पी ले सुबह गरम गरम, उसके बाद आप एक ग्रीन स्मूदी बनाए। मधुमेह के पेशेंट्स केले फल सब खा सकते हैं। हमारे यहाँ पे शरण में हम 21 दिन पे रिट्रीट पे जाते हैं, वहाँ पे सब लोग हमेशा आम खाते रहते हैं, फिर भी उनकी शक्कर कम हो जाती है मधुमेह होते हुए भी। तो अगर आप ग्रीन स्मूदीज और फ्रूट्स ज्यादा लेंगे तो आपकी शक्कर कम होगी, आपको फाइबर अच्छा मिलेगा, बीमारियां भी कम होती जाएंगी। तो जैसे मैंने बोला हर्बल इन्फ्यूजन, ग्रीन स्मूदी जिसमें 2 या 3 केले होते हैं, एक मुट्ठी हरी सब्जी होती है और 1 या 2 खजूर डाल के आप अच्छे से इसका डिलिशियस ड्रिंक बनाओ और सुबह खाओ। फल भी हमारा नेचुरल फूड है, तो आप जितने फल खाओगे दिन में इतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। फिर अगर आपने स्मूदी लिया और आपको भूख नहीं लगी तो आपको कोई भी पका हुआ नाश्ता या ब्रेकफास्ट खाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लंच कर सकते हो। लंच में जैसे एक अच्छा सा सैलड खा लो पहले, उसके बाद कोई भी एक ग्रेन या कोई भी एक मिलेट, मिलेट क्या होता है जैसे ज्वारी ज्वार है, बाजरा है, नाचनी है, अगर आप ये खा सकते हो उसके साथ कोई भी ऑयल फ्री वेजिटेबल, ऑयल फ्री दाल, ऑयल के बिना बहुत अच्छी खाने के पदार्थ बन सकते हैं। अगर आप शरण वेबसाइट पे जाओ तो बहुत अच्छी रेसिपीज़ है, आप देख सकते हो। तो आप ऐसे कलरफुल खाना खाओगे तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। उसके बाद आपको अगर शाम को कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप नारियल का पानी पी लो, वापस फ्रूट्स या स्मूदी खा लो, रोस्टेड चना स्प्राउट, कोई भी चीज़ आप दोपहर जो शाम को जिसमें बिल्कुल ऑयल या कोई भी प्रोसेस नहीं है ऐसे खाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे ये है, जैसे स्मूदीज है, चाट है, चना है, और फिर रात के खाने में जो आप थोड़ा जल्दी ले लो, क्योंकि हमको रात को लेट खाने की बहुत आदत होती है, तो अगर आप 7-7:30 बजे तक खाना खा लो और अच्छा सैलेड सूप कोई भी एक डिश जैसे खिचड़ी है, पराठा है, और ये सब आप बिना ऑयल और सब का बना सकते हो, इसके लिए ऑयल घी या किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको ये रेसिपीज मिल सकती है। तो ये सब कलरफुल चीजें खाने से भी बीमारियां कम हो जाती है। तो ये अगर आप चाहे और आपको सपोर्ट चाहिए तो ये कुछ रिसोर्सेस है जो शरण के है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो और आपको मदद मिल सकती है। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मधुरा, एकदम डिटेल में। ये लॉकडाउन में मेरा भी वजन बढ़ गया, तो दिस वाज हेल्पफुल फॉर मी आल्सो, सो थैंक यू वेरी मच। सो अब मैं बुलाता हूं अपने अगले स्पीकर डॉक्टर रोहित मोदी को। डॉक्टर रोहित मोदी, एक मिनट। यस रोहित मोदी, डॉक्टर रोहित मोदी जो है वो एक प्रैक्टिसिंग विट्रियो रेटिना स्पेशलिस्ट है, बहुत ही बड़े डॉक्टर है। उससे ज्यादा जो मुझे बहुत पता है वो ये है कि ये एक प्रैक्टिसिंग वीगन है। ये वीगन बहुत मस्त है, ये अपने सारे पेशेंट्स को प्लांट बेस्ड डाइट रेकमेंड करते हैं और ये वीगनिज्म स्प्रेड करने में मदद करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट रोहित। और ये जो हम वेबिनार कर रहे हैं, ये वेबिनार भी आया है रोहित के दिमाग से, आइडिया उनका था, वहीं से उपजा। थैंक यू वेरी मच रोहित, हैंड इट ओवर टू यू, प्लीज करें आप। थैंक यू, शुक्रिया विघ्नेश जी। वेबिनार की आइडिया जरूर हमें आई थी, लेकिन जिस रूप में इतने बड़े स्वरूप में हो रहा है वो आपके और वाईवी केयर के कारण ही हो रहा है। मेरा आज का विषय है कि मुझे पर्याप्त प्रोटीन एक शुद्ध शाकाहारी भोजन पे मिल सकता है क्या।
थैंक यू। सो मेरा कोई भी इसमें आर्थिक स्वार्थ नहीं है, और ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही कह चुका हूँ शुरुआत में, जो सभी प्रेजेंटेशंस के लिए लागू है। अभी आप अगर कोई भी बड़े जानवर को हम जब देखते हैं जंगल में जाकर, चाहे वो हाथी है, घोड़ा है, हिप्पोपोटामस है, ये सब शुद्ध शाकाहारी है और इनकी ताकत लाजवाब है। इन्हें भी प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ शाकाहों से ही मिलता है, और हमें हरदम चिंता होती है कि हमें प्रोटीन कैसे मिलेगा, जबकि हमने कहीं भी किसी व्यक्ति को प्रोटीन डेफिशिएंसी या प्रोटीन की कमी हमने हमारे परिवार में कभी देखी नहीं है, पर हमने ये जरूर देखा है कि प्रोटीन के कारण मोटापा होता है, और हम हरदम समझते हैं कि हमें मांसाहारी खाने से या दूध के पदार्थ खाने से ही प्रोटीन मिलेगा या प्रोटीन पाउडर खाने से। ये चीज को मैं आगे कुछ स्लाइड्स में गलत साबित करूंगा। जो डॉक्टर्स कहते हैं, जो हम लोग पेशेंट को कहते हैं, हम आपको प्रोटीन चाहिए करीब करीब 1 ग्राम प्रति किलो आपके वजन के हिसाब से या उससे भी कम। तो अगर कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो उसे सिर्फ 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, कोई 80 किलो का व्यक्ति है तो उसे सिर्फ 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। सो जैसे मैंने कहा कि आपने किसी भी व्यक्ति को प्रोटीन की कमी होते हुए देखा हुआ है, नहीं, लेकिन हमें कितने जनों को देखा हुआ है जिनको मोटापा ज्यादा है, यानी फैट ज्यादा है। तो इसलिए हमें जरूरत है सही आहार की। और अगर हम वनस्पति में देखें तो कितने जगह से हमें प्रोटीन मिल सकता है, इस पे ऑलरेडी मधुरा जी काफी अच्छी तरह बता चुकी है। मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एवरेज में कहा जाता है कि हमें 2000 कैलोरीज दिन में खानी चाहिए। अगर हम उदाहरण के तौर पे सिर्फ एक दिन में ब्रोकोली खाते हैं तो हमें करीब करीब 150 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 150, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट, हमारी आवश्यकता से 2 या 3 गुना ज्यादा है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ दाल पिए पूरे दिन तो हमें करीब करीब 160 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, वो भी हमारी आवश्यकता से 2 या 3 गुना ज्यादा है। और सिर्फ फर्ज कीजिए, अगर आप आलू खा रहे हैं छिलका निकाल के, तो भी आपको 40 से 42 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो इसका अर्थ यह है कि आप अगर सही आहार ले रहे हैं तो आपको जरूरत से ज्यादा प्रोटीन मिलेगा और आपको कोई भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कई बार सवाल उठते हैं कि सोया खाना चाहिए क्या। सोया में जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 100 ग्राम सोया में 40 ग्राम प्रोटीन होता है, और ये बहुत ही बढ़िया चीज है। पर कई बार लोग कहते हैं, कई विशेषज्ञ भी कहते हैं कि भैया सोया खाने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो आप अगर 2-3 इसके ऊपर रिसर्च, वैज्ञानिक रिसर्च देखेंगे तो इसमें मालूम पड़ता है कि 2014 और 8 में सोए खाने से कैंसर होता नहीं है, बल्कि उसके लिए सेफ्टी मिलती है, चांसेस जो कि ब्रेस्ट कैंसर के होने के होते हैं वो कम होते हैं, ना कि बढ़ते हैं। और ये बात नहीं, अगर आपको सोए पसंद नहीं है, अगर सोए खाकर आपको चिंता होती है तो कोई खाने की जरूरत नहीं है। सोए के अलावा भी कई तरह की दालें हैं जो आपको पौष्टिक आहार दे सकती है। इसके अलावा एक और प्रश्न उठता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, किस तरह का प्रोटीन हमारे प्लांट्स में या वनस्पति में होता है। कोई लोग कहते हैं कि नहीं, मांसाहारी भोजन में जो प्रोटीन होता है वो उसकी क्वालिटी उच्च स्तर की होती है, और जो हमारे प्लांट्स में होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो निच स्तर की होती है। पर ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ प्रोटीन के अंश होते हैं जो हमें सभी को जरूरत होते हैं। ये अंश जो है वो हमारे वनस्पति में भी उपलब्ध है। कई चीजें जैसे कुआहा है, आपके शिया सीड्स है, हेम सीड्स है, ये सब में सब तरह के वो अंश उपलब्ध है। अगर आप सिर्फ दाल और चावल भी खा रहे हैं तो उसमें भी सब अंश उपलब्ध है। पर ये जरूरी है क्या कि हमें अलग अलग प्रकार के भोजन का मिश्रण करना पड़ेगा ताकि हमको सब आहार मिले प्रोटीन के हिसाब से? तो ये सही नहीं है। अगर आप सब तरह का
मिलाप भी नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी भी रिसाइकलिंग करती है। आप एक तरीके से देखेंगे, खासकर जो मुंबईकर्स हैं उन्होंने फ्लोरा फॉडन तो देखा होगा, वही पानी रिसाइकल होके बार बार आता रहता है। तो हमको ये अर्थ नहीं है कि हमको पूरा पानी रोजाना डालना है, हमें सिर्फ थोड़ा पानी जो कि वेस्ट होता है उसको डालना है। उसी तरह से प्रोटीन भी हमें थोड़ा ही शरीर में डालना है, जितना बॉडी को जरूरत है उसके ऊपर अगर हम डालते हैं तो नुकसानदायक हो सकता है। और एक और सवाल कई बार जो मुझे भी मेरे मन में उठता था, जब मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन मैंने शुरुआत की था कि मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जरूरत है क्या, लेकिन इसका उत्तर है नहीं। अगर आप सही मात्रा में भोजन कर रहे हैं और सही भोजन कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर या किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। और अगर आप खिलाड़ी हैं, जहाँ की विराट कोहली भी जैसे कुंटा जी ने कहा वो भी शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, उन्हें भी किसी भी तरह की सप्लीमेंट्स की प्रोटीन के हिसाब से जरूरत नहीं है। आप उदाहरण ले लीजिए, जब हम भागते हैं या ज्यादा कसरत करते हैं हमारी सांस ऊपर नीचे होती है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन अगर हम वातावरण में देखें तो सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन है, बाकी अधिकतर नाइट्रोजन है। ये एक हमारे निसर्ग का एक आप बोलेंगे तो बैलेंस है। उसी तरह खाने में भी प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और बाकी कई तत्वों का एक बैलेंस है, और वो बैलेंस समझ के अगर हम खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। जो पशु से हमें प्रोटीन मिलता है उसके कई दुष्परिणाम होते हैं, वो चीज हम पहले ही सुन चुके हैं, मैं उस पर समय नहीं बिताऊंगा। पर हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है, अगर हम ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, खासकर अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो उसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, खासकर कि हमारे हड्डियों पे, हमारे किडनी पे, हमारे कैंसर का रिस्क बढ़ता है, और लीवर पे भी दुष्परिणाम होता है, और हृदय की बीमारी भी बढ़ सकती है। तो हमें जब हम खाने को देखते हैं तो हमें उसे पूर्ण रूप में देखना है, ना कि हमें सोचना है कि भैया इसमें फैट ज्यादा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, कि इसमें प्रोटीन कम है, कि इसमें मुझे विटामिन मिलेगा कि ये मिलेगा। हमें खाने का आनंद उठाना है, और अगर हम सही खाना खा रहे हैं, हम शुद्ध शाकाहारी खाना खा रहे हैं, तो हमें पूर्ण पोषण मिलेगा। विटामिन B12 और विटामिन D3 को छोड़ के मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी मित्र डॉक्टर अनुराधा जी उस पर हमें और ज्ञान देने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ वाईवी केयर का और विघ्नेश जी का। आनंद कुमटा जी का इसी तरह से एक प्रेजेंटेशन ने मुझे प्रभावित किया था शुद्ध शाकाहारी बनने के लिए, और जैसे उन्होंने कहा, उनके जैसे भी मैं कई लोगों को ऑनलाइन उनकी किताबें पढ़ता हूँ, उनके प्रेजेंटेशंस देखता हूँ, उनमें से मुख्यतः है डॉक्टर माइकल ग्रेगर, जिनकी वेबसाइट है nutrition.org, डॉक्टर नील बर्नार, डॉक्टर जोएल फूरमैन एंड जियाना सिम्हा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरी प्रिय मित्र डॉक्टर अनुराधा जी अय्यर। वो एक ओकुलोप्लास्टी यानी कि आंखों की प्लास्टिक सर्जन है, और वो आंखों की कैंसर की भी स्पेशलिस्ट है। उन्होंने शुद्ध शाकाहारी जीवन 3 साल पहले शुरुआत की थी, और वो हमें जो तत्व है, जो विटामिन्स मिनरल्स हमारे खाने के, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वो हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन से किस तरीके से प्राप्त हो सकते हैं उस पर बताएंगे डॉक्टर अनुराधा जी अय्यर। थैंक यू रोहित। रोहित पावर पॉइंट की क्या? हाँ, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी दिख रहा है। ठीक है, तो आज मैं वनस्पति आधारित आहार में पोषक तत्वों के बारे में बात कर रही हूँ। कई बार आप सुनते हैं कि शाकाहारी लोग, नहीं तो जो वीगन्स हैं, जो डेयरी भी नहीं खाते, उनमें कुछ डेफिशिएंसीज होती है, कुछ तत्व कम रहते हैं उनके खाने में, तो उसके बारे में हम आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो इतने सारे विटामिन्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। तो पहले हम विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे। जब विटामिन B12 का नाम लेते हैं हम, हमें सबसे पहले याद आता है कि ये शायद सिर्फ मांसाहारी खाने में हो, पर ये बात गलत है।
जो भी डाइट आप फॉलो करेंगे सभी चीज में विटामिन B12 कम है, एंड उसका कारण ये है कि विटामिन B12 जो है पेड़ पौधे या जानवरों से नहीं बनता, वो जो है बैक्टीरिया से बनता है। और आज के जमाने में एंटीबायोटिक और पेस्टिसाइड का यूज इतना ज्यादा हुआ है कि ये बैक्टीरिया जो है हमें और जनरली नेचर पर्यावरण में जरा कम है। तो विटामिन B12 जो है पूरे बदन में इम्पॉर्टेंट है, हर सेल के लिए, हमारे ब्रेन से लेके खून से लेके जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा इन्फेक्शन लड़ने की जो क्षमता है हमारे में, तो ये सारे सिस्टम्स जो है विटामिन B12 पर निर्भर है। तो विटामिन B12 अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे सिंपल और सबसे चीपेस्ट ऑप्शन जो है वो रहा है टैबलेट्स। तो ये टैबलेट्स आप आपके डॉक्टर को मिलके डिस्कस करके आप ले सकते हैं, रोज ले सकते हैं या वीकली ले सकते हैं, जो डोसेस लिखे हैं उसके हिसाब से। और कुछ खाद्य पदार्थ में फोर्टिफाई किया जाता है, जैसे मार्केट से आप कॉर्नफ्लेक्स अगर ले उसमें विटामिन B12 ऐड किया जाता है। तो कई सारे ऑप्शंस हैं, आप चूज कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स जो है बेस्ट रहेगा इन ऑप्शंस में। तो विटामिन ई जो है इम्पॉर्टेंट है रिपेयर फंक्शन के लिए, जैसे बॉडी में कई सारे सिस्टम्स जब काम करते हैं फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में, तो विटामिन ई जो है वो काफी प्रोटेक्टिव है। और विटामिन ई हमें रोज 15 मिलीग्राम लगता है, और जो ऑप्शंस लिखे हैं स्क्रीन पे, जैसे कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, पालक हो, बादाम हो, उनमें काफी सारा विटामिन ई रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें बोला गया है कि ये शायद सिर्फ फिश या फिश कैप्सूल्स में हो, पर ये इंफॉर्मेशन गलत है। तो ये फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, ये हर में जो है विटामिन ओमेगा 3 का सोर्स काफी रिच है। तो ओमेगा 3 सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेन के लिए रहता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा ब्रेन जो है उसका साइज थोड़ा छोटा होता रहता है, और भूलने की बीमारी जो लगती है बुजुर्ग लोगों को, शायद विटामिन सी हम अर्ली एज से अगर शुरू कर ले शायद ये बीमारी आगे जाके ना हो। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए फिश ऑयल कैप्सूल्स लेना है कि नहीं? तो कुछ स्टडीज किए गए थे जिनमें देखा गया है कि हमारे जो समुंदर है उसमें हमारे इंडस्ट्री के सारे पोल्यूटेंट्स, कंटामिनेंट्स, केमिकल्स वहां पे छोड़ा जाता है, तो उसकी वजह से मर्क्यूरी और PCB नाम के कुछ केमिकल्स काफी ज्यादा है, उसकी वजह से स्ट्रोक, प्रोस्टेट कैंसर और अलग प्रकार के बीमारियां जैसे कि डायबिटीज काफी कॉमन है वो पेशेंट्स में जो फिश ऑयल कैप्सूल्स काफी लिया करते हैं। तो प्लांट सोर्सेस उसके लिए डेफिनेटली बेटर रहेगा। अब कैल्शियम ना कि सिर्फ हड्डियों के लिए, अपने हार्ट के लिए, खून के लिए, काफी फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है बॉडी में। तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स काफी बार दिया जाता है, ये आपके डॉक्टर से आप मिलके आप डिसाइड कर सकते हैं आपको जरूरत है कि नहीं। नहीं तो जो प्लांट बेस्ड फूड है उसमें, वीगन फूड है उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे सोया मिल्क, पालक, चिया, टोफू, बादाम, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है उसमें कैल्शियम काफी ज्यादा है, और तो ये रोज खाने से आपको डिफिशियंसी नहीं होगी। तो कैल्शियम का जो है प्लांट डिराइव्ड कैल्शियम जो है वो और आसानी से बॉडी में अब्सॉर्ब किया जाता है। विटामिन डी आज के जमाने में हमारे पास ज्यादा करके, हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, किसी के पास आंगन नहीं है, तो पुराने जमाने में आंगन में जाके जो बच्चे खेला करते थे, जो हम चल के ऑफिस या स्कूल जाया करते थे, आजकल वो सब बहुत कम हुआ है मोबाइल और कंप्यूटर के जमाने में। तो जब हम बाहर नहीं जाते तो हमें सनलाइट, जो सूर्य प्रकाश है, वो बहुत कम फेस करने मिलता है, तो जिसकी वजह से जनरली हम में से सब लोग विटामिन डी का मात्रा जो है हमें कम है। तो विटामिन डी के लिए बेस्ट रहेगा सप्लीमेंट्स लेना। रिकमेंडेड है कि हर महीने में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स लेना, पर इसके लिए आप आपके डॉक्टर को मिले और फिर पूछें।
विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो सिर्फ पेड़ पौधों से मिलता है या वनस्पति आहार से मिलता है। विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है क्योंकि उससे हमारे बोन्स जो है, हमारी स्किन जो है काफी हेल्दी रहती है। विटामिन सी के कई सारे सोर्सेस हैं, सबसे चीपेस्ट रहेगा लेमन और चिली। तो विटामिन सी का कोई टॉक्सिसिटी नहीं होता, तो आप जितना ज्यादा ले उतना अच्छा है। पालक जो है, जैसे ये कार्टून में बोला गया है, आयरन में काफी रिच है। तो भारत में महिलाएं जनरली आयरन का डिफिशियंसी काफी रहता है, तो खून में रहता है ये आयरन, खून के फॉर्मेशन में काफी हेल्प करता है। और जो लेडीज पीरियड के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको, या रूटीन पीरियड्स में भी काफी बार ब्लीडिंग लॉस की वजह से या खाने में आयरन कम मिलने से काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको। तो आयरन जो है वनस्पति आहार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप देखेंगे अलग अलग प्रकार की दाल में है, टमाटर में है, पालक में है। फाइबर जो है सिर्फ पौधों से मिलता है, और फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइबर हम खाने में ज्यादा अगर ले तो जो हॉर्मोन्स होते हैं और जो खराब बैक्टीरिया रहता है पेट में जो कैंसर बनाता है वो कम मात्रा में होता है, और कैंसर बनाने की जो केमिकल्स है वो जरा कम फॉर्म होते हैं। तो वनस्पति आहार में कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको काफी सारा फाइबर मिल सकता है। तो हमारे इंटेस्टाइन में दो प्रकार के बैक्टीरिया है, एक खराब प्रकार की और एक अच्छे प्रकार की। तो ये खराब बैक्टीरिया क्या करता है हम पहले देखेंगे। खराब बैक्टीरिया जो है उसका मात्रा बढ़ता है अगर हम अंडे या दूध या मटन ज्यादा खाएं तो, और ये लिवर में जाके TMAO नाम का केमिकल रिलीज करता है। जो TMAO है वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करता है हमारे आर्टरीज में, और उससे हमें हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, जो छाती में दर्द है एंजाइना बोलते हैं वो हो सकता है। तो जितना ज्यादा हम वनस्पति आहार खाएंगे ये खराब बैक्टीरिया का जो प्रमाण है वो कम रहता है। तो कैंसर की बीमारियां, फिर हार्ट की बीमारियां वगैरह जो वीगन लोग हैं उनमें बहुत कम होता है उसकी वजह से, या होता ही नहीं। जिंक हमारे बॉडी के हर ऑर्गन के फंक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और वनस्पति आहार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अलग अलग दाल है, अलग अलग सीड्स हैं, होल वीट ग्रेन्स है, काजू है। पोटाशियम के सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है केला और संतरा, अलग अलग बीन्स। तो जब हम हमारे पूरे बॉडी को देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गन्स जो है एक सिंगल मशीन की तरह काम करता है, वैसे ही ये अलग अलग जो पौष्टिक तत्व है वो एक साथ जब हम खाते हैं तो उनका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी जो है खाने में जो आयरन रहता है उसके अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। कैल्शियम और विटामिन डी जो है एक साथ मिलके हड्डी बनाते हैं। तो अलग अलग पौष्टिक आहार हम जब खाते हैं हमें ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं विटामिन डी के लिए क्या लूं, विटामिन सी के लिए क्या लूं, प्रोटीन के लिए क्या लूं। तो हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन बेस्ड फूड है, जो साउथ का हो, नॉर्थ का हो, वेस्ट का हो, ईस्ट का हो, वो काफी बैलेंस्ड रहता है। तो ये अगर आप खा लेंगे तो सारे आपके न्यूट्रिशन जो है एडिक्वेटली आपको सारा मिल जाएगा। तो आर्थराइटिस नाम की बीमारी जो है, ऐसे स्टडीज किया गया है कि वनस्पति आहार खाने से जो हाथ के दर्द है तो वो काफी कम होता है। तो अलग अलग बीमारियों पे स्टडी किया गया है कि वनस्पति आहार खाने से ये बीमारियों का पूरी तरह से गया है या कम हुआ है। तो ये सारे पेपर्स हैं आपको जो ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे, जो ये साइंटिस्ट है इन्होंने ये सारे बीमारियों की ठीक से पढ़ाई की है, ठीक से स्टडीज किया है पेशेंट के ऊपर। तो कुछ ऐसे तत्व है जो सिर्फ पेड़ पौधों में है। तो फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगी जो पौधों से हमें पोषण मिलता है वो बेसिकली हम अगर एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदें और फिर कुछ ब्रिक्स और सीमेंट खरीदें और फिर हम घर को बनाएं तो वो पौधों का पोषण रहता है।
और पशु का पोषण जो है ऐसा रहेगा कि आपने अगर जमीन खरीदा तो बाजू वाले घर को खरीद के उसे तोड़ के वहां के ब्रिक और सीमेंट खिड़की दरवाजे को यूज करके अगर आपने नया घर बनाया वो होगा पशु का पोषण। थैंक यू। थैंक यू अनुराधा जी, आपने बड़ी सरलता से जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं उसे हमें कैसे पौधों से मिल सकता है आपने समझाया हमें। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हम में से जो सबसे सीनियर है डॉक्टर रूपा शाह जी को, वो हमें दूध और उसके बने हुए पदार्थों से किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य पे दूर परिणाम होता है और हम दूध को किस तरीके से हमारे आहार से निकाल के कुछ और चीजें ला सकते हैं उसके बारे में हमें ज्ञान देंगे। डॉक्टर रूपा जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू रोहित। नमस्ते। आज मुझे याद रखना है कि भी मैं हिंदी में बोल रही हूँ। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सभी को? जी बिल्कुल, आपकी आवाज साफ है। ठीक है, मैं अपना प्रेजेंटेशन एक मिनट शेयर करती हूँ। दिख रहा है बराबर से? जी बिल्कुल जी। सो आज जो विषय मुझे दिया है वो है पशुजन्य दूध का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर दुष्परिणाम और ये दूध के क्या पर्याय हो सकते हैं। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ और पिछले 35 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन पिछले 13 सालों से मैं ज़्यादा ध्यान वनस्पति जन्य आहार वाली जीवन शैली पर दे रही हूँ। वनस्पति जन्य आहार यानी कि होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट वाली जीवन शैली, तो ये इसमें दूध पशुजन्य दूध का समावेश नहीं है। यानी कि सभी लोग आज जो शब्द यूज़ कर रहे थे वो है शुद्ध शाकाहारी, तो इसी को मैं वनस्पति जन्य आहार वाली जीवन शैली बोलती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं इस विषय पर कैसे आई। 13 साल पहले मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी, ये डॉक्टर नंदिता शाह ने कंडक्ट की थी, शरण में से मुंबई में पहली वर्कशॉप थी। मैं जब गई तो वहां मैंने सुना कि दूध और दूध के पदार्थ नहीं लेने चाहिए। मैंने सोचा ये तो बहुत ही एक्सट्रीम बात है, हम लोग सब ऑर्गेनिक खाते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते नहीं है, काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल है हमारी, दूध भी छोड़ देना ये तो बहुत ही बड़ी बात है। फिर भी इन्होंने बताया था, वैसे मैंने 30 दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, दूध और दूध के सारे पदार्थ छोड़ दिए, लेकिन एक चमत्कार हो गया। पहले 7 दिन में ही मुझे सर दर्द होता था, यानी कि उसे माइग्रेन कहते हैं। 18 साल तक मुझे माइग्रेन की बीमारी थी, मुझे हर महीने एक बड़ा अटैक आता था, मुझे उल्टी होती थी, बहुत एसिडिटी होती थी और ऐसे लगता था कि भगवान ने मुझे नरक यही दिखा दिया। तो मेरा इतना दर्द था, लेकिन मैं एलोपैथिक पेन किलर्स नहीं लेती थी, मैं नेचुरल रेमेडी लेकर कैसे भी करके अपना जीवन चला रही थी। लेकिन जब दूध और दूध के सारे पदार्थ मैंने छोड़ दिए तो पहले ही हफ्ते में मेरा सारा दर्द चला गया, एक भी अटैक नहीं आया। दूसरा हफ्ता हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, बिल्कुल गायब, और मेरी एसिडिटी भी बिल्कुल चली गई। मैं थोड़ी मोटी भी थी तो मेरा 2 किलो वजन पहले ही महीने में चला गया, एकदम हल्का लगने लगा शरीर और मेरा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया। मैं पूरी एकदम चकित हो गई कि खाली दूध छोड़ने से ऐसा होता है क्या। हम गुजराती हैं, हमारे घर में दही, छाछ, मलाई, मक्खन, घी, हर चीज़ हम बहुत सारा उपयोग करते हैं और खाते हैं, तो वैसा मेरा भी था कि मैंने भी वो सब खाया ही था। लेकिन अब मुझे जानना था कि दूध में क्या गड़बड़ है। फिर उस समय पे इंटरनेट तो इतना
इन्फॉर्मेशन नहीं था, फिर भी जो भी मिला तब पता चला कि मिल्क में क्या गड़बड़ है। तो आप जानते हैं कि जो भी स्तनधारी पशु होते हैं, जैसे कि यहाँ हाथी है, बफेलो है, ऊंट है या हॉर्स है, ये सभी दूध बनाते हैं लेकिन अपने बच्चे के लिए बनाते हैं। जो स्तनपान करने की एक जो प्रक्रिया है, जो माँ और बच्चे के बीच की एक प्राइवेट बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है, जब माँ के मन में अपने बच्चे के लिए विचार आता है और सोचती है कि अब उसे भूख लगी होगी, और अगर उसका बच्चा रोता है क्योंकि उसे भूख लगी है, तब ऑटोमेटिकली माँ को दूध आता है। और जब उसका बच्चा दूध पीने की कोशिश करता है और स्पर्श करता है, तब थोड़ी देर के बाद दूध आने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही संवेदनशील है, यहाँ प्रेम का बॉन्डिंग है और इसी से नर्चरिंग होता है। और अगर माँ को कोई शॉक लगा है या डिप्रेशन में है तो ये दूध नहीं भी आता है। अगर वो कोई एंटीबायोटिक्स ले रही है तो वो उसके दूध में जाती है। हम डॉक्टर्स हमेशा पूछते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो हम आपको कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं देंगे जो दूध के अंदर जाए और बच्चों को नुकसान करे। तो इतनी हम बहुत सारी केयरफुलनेस रखते हैं जब ब्रेस्ट फीडिंग चलता है। लेकिन जब एक गाय और अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है और वही दूध जब हम ले लेते हैं, तो हम ये प्रश्न पूछना भूल जाते हैं कि भाई गाय माता ने कौन सी एंटीबायोटिक ली। भारत में दूध उत्पादन का इतिहास ऐसा है कि पहले तो सब घर में एक या दो गाय रखते थे, लेकिन सभी नहीं, जो पैसे वाले होते थे उनके घर में गाय रहती थी और गाय अपने आप प्रेग्नेंट होती थी, दूध देती थी और वही दूध घर में यूज होता था। सभी को नहीं मिलता था, जो बीमार थे या छोटे बच्चे थे उनको मिलता था। रेफ्रिजरेटर का जमाना नहीं था तो दूध का फिर मक्खन और घी बन जाता था। और गाय को पहले उसको बच्चे को देते थे और बाकी का अगर कुछ मिला तो उसको उपयोग में लाते थे। अब कृष्ण भगवान आप जानते हैं कि वो भी मक्खन चुराते थे, खाते थे कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति में भगवान कृष्ण और दूध का संबंध गहरा है, क्योंकि वो एक गोपालक थे और वो गाय चराने जाते थे और इनकी बहुत सारी स्टोरीज हमारे संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। हमारे घरों में जब भी पूजा होती है तो पंचामृत या शीरा वगैरह हम यूज करते हैं। कोई भी आप देखेंगे प्रसाद की आइटम में कुछ ना कुछ दूध या दूध की आइटम रहती ही है। और सुबह जब होती है तो सबसे पहली बेल किसकी बजती है, तो हम कहते हैं दूध वाले की। दूध वाला आता है और फिर हमें दूध दे के जाता है, क्योंकि हमें सबसे पहले चाहिए उठने के लिए चाय या कॉफी। चाय के बिना हमारी बहुत सारे लोगों की सुबह नहीं होती है और चाय के साथ हमारा दूध का कंजम्पशन चालू हो जाता है। हमारे देश में हर जगह, भारत देश में दूध का उपयोग बहुत ज़्यादा है। बंगाल में रसगुल्ला खाते हैं, पंजाब में पनीर और लस्सी खाते हैं, कच्छ या गुजरात साइड जाएंगे तो छाछ पीते हैं, और आप अगर मद्रास जाते हैं, चेन्नई, तो वहाँ कर्ड राइस का उपयोग होता है और सभी को ये सब बहुत ही पसंदीदा आइटम है। आयुर्वेद में घी का बहुत ज़्यादा प्रचार है और बहुत सारी मेडिसिन जिसे ध्रुत बोलते हैं वहाँ घी का प्रयोग किया गया है, और ज़्यादातर ये देशी गाय के घी का प्रयोग सुझाते हैं। हमारे देश में 1970 में वाइट रिवॉल्यूशन यानी कि सफ़ेद क्रांति का की शुरुआत हुई डॉक्टर कुरियन से, और डॉक्टर कुरियन ने पूरी डेयरी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज कर दिया। छोटे छोटे जो गोपालक थे उनके पास एक या दो गाय रहेंगी, उनका दूध कलेक्ट करके एक बहुत बड़ी डेयरी इंडस्ट्री की स्थापना की, और आज ये इंडस्ट्री इस तरह से दिख रही है कि बॉटल में प्रॉपरली दूध आता है या पाउचीज में आता है, मशीन होता है, एक्स्ट्रा रहेगा तो उसका पाउडर बन जाता है,
उसकी चीज बन जाती है, बटर बन जाता है और आइसक्रीम भी बन जाता है। हमारा देश दुनिया का अब नंबर वन हो गया है सबसे ज्यादा दूध प्रोडक्शन में, दूध उत्पादन में 22% इसका पोर्शन है। और आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें अभी अलग अलग पाउचेस में, पैकेजिंग में, दूध, दही, छाछ, बटर मिल्क, मिल्क शेक्स, हर चीज मिलने लगी है और हम लोग ये सब खा रहे हैं। हमारे इंडिया का एवरेज मिल्क कंजम्पशन 355 ग्राम्स पर डे है, इसमें दूध के सभी पदार्थ आ जाते हैं। लेकिन सच्ची बताऊं तो एक ग्लास दूध में रियली क्या क्या है तो देख लीजिए, ये लिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें है 135 मिलियन पस सेल्स है, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये नॉर्मली इन्फेक्शन के साथ आते ही है और ये इसका कुछ प्रमाण नक्की किया है कि कितना नॉर्मल होना चाहिए। खून आता है उसमें, फीसिस यानी कि स्टूल्स आते हैं एनिमल के, 20 प्रकार के पेन किलर्स आते हैं, दवाइयाँ आती हैं जो एनिमल को मतलब डेयरी काउ को या बफेलो को दी जाती है, एंटीबायोटिक्स और ग्रोथ हार्मोन्स भी दिए जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन से उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है इसलिए दिया जाता है, और हार्मफुल बैक्टीरिया भी उसमें पाए जाते हैं, और एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 बोवाइन है वो भी पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। साथ में एसिडिक प्रोटीन है जो हमारे बोन में से कैल्शियम को ले लेता है, और इसके साथ है टॉक्सिक मिल्क प्रोटीन जिसे केसिन बताया जाता है, जिसका ब्रेस्ट कैंसर और किडनी डिजीज, आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसके साथ लिंक पाया गया है। ये एक जनरल चार्ट है जिसमें मैंने गाय का दूध, भैंस का दूध और ह्यूमन मिल्क, ये तीनों में प्रोटीन, फैट और कैल्शियम की मात्रा कितनी है उसका एक चार्ट दिया है। इसमें देखिए आपकी गाय में है 3 ग्राम प्रोटीन और भैंस में ज़्यादा रहता है 6 ग्राम से ज़्यादा, और हमारे मनुष्य के दूध में सिर्फ 1.1 रहता है। जीवन के पहले वर्ष में जब बच्चा 3 किलो का होता है, जो 9 किलो का हो जाता है इसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ रहता है और तभी उसे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो प्रोटीन है 1.1 ग्राम वो इसे एकदम 100% सूटेबल है। लेकिन बफेलो और काऊ में ज़्यादा है क्योंकि उनका बच्चा जो है वो 200 किलो का हो जाता है, वहाँ ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है, 1.5 या 2 साल में ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है, और हमारे ह्यूमन में 1 साल के बाद ये जो विकास की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है और वो 18 साल तक चलती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गाय या भैंस का जो दूध है वो उसने अपने बच्चे के लिए, उसके विकास के लिए जितना जरूरी है उतना ही बनाया है, और हमारे मनुष्य का दूध भी हमारे बच्चे के लिए 100% मोस्ट सूटेबल परफेक्ट आहार के जैसे है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि दूध और दूध के पदार्थ क्यों नहीं खाने चाहिए हमें, तो दूध में एक है केसिन, ये कैंसर के साथ लिंक किया गया है। दूसरा है ग्रोथ हार्मोन्स जिससे सोरियासिस, एक्सीमा और पिंपल्स जैसी बीमारी होती है स्किन की। तीसरा है कि यह इससे हमारी हड्डियां बहुत वीक हो जाती है, हृदय रोग भी होता है और टाइप 2 डायबिटीज के साथ भी इसका लिंक पाया गया है। दूध में जो कैल्शियम है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं होता है और वनस्पति जन्य आहार के कैल्शियम जल्दी एब्जॉर्ब होता है। दूध में जो लैक्टोज है वो कई सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और अगर हम हमारे सृष्टि में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, खाली हम ही ऐसे हैं जो दूसरे जानवर के दूध पीते हैं। और अगर हम वजन कम करना चाहते हैं तो उसके दूध के अंदर जो सैचुरेटेड फैट है और जो सूजन करने का फैक्टर है उसके कारण ये वजन कम नहीं हो सकता है, इसमें बाधा आती है। और दूध में जो सैचुरेटेड फैट है इसके कारण कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और हृदय रोग की बीमारी आ सकती है।
दूध के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। दूध से जो चीज़ बनता है वो हमें एडिक्टिंग इफेक्ट देता है और इसके कारण भी बहुत सारे डिजीज होते हैं। ये सारे दूधालू जो जानवर है उनको एंटीबायोटिक रूटीनली दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी मशीन से इनका दूध निकाला जाता है, उनके जो अडर्स रहते हैं वो हमेशा इन्फ्लेम रहते हैं और उनको बार बार एंटीबायोटिक्स दी जाती है, और वहाँ स्टेफोलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये सारी एंटीबायोटिक्स दूध के अंदर जाती है और इसके साथ हमारे शरीर में आती है। और ये एंटीबायोटिक का डेंजर ये है कि ये हमारे शरीर के जो बैक्टीरिया है उनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना देता है, और फिर उसके बाद हम जिसे बोलते हैं सुपर बग्स, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है वो हमें इन्फेक्ट करना चालू कर देते हैं। तो इसके कारण कोई भी दूसरी नई एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाती। दूध में बहुत सारी मिलावट भी होती है। हम बार बार मीडिया में देखते रहते हैं कि दूध में एडल्टरेशन है, सही, क्योंकि दूध है ये एक एक्सपेंसिव फूड आइटम है, तो जो भी आइटम एक्सपेंसिव है उसमें एडल्टरेशन या मिलावट होती ही रहती है, क्योंकि वहाँ से पैसा मिलता है। और कहीं जगह ऐसी है जहाँ खाली कोई गाय या भैंस है ही नहीं, वहाँ एक फैक्ट्री जैसा माहौल है और वहाँ आर्टिफिशियल मिल्क भी बनाया जाता है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी घातक है। चीज़ है जिसमें केसो मॉर्फिन मिलता है, ये हमें एडिक्शन करता है। मैंने ऐसे बहुत पेशेंट देखे हैं, वो पूरे दिन में एक या दो बड़े बड़े क्यूब्स खा लेते हैं, और ख़ास करके लड़कियाँ जिसमें PCOD या PCOS की बीमारी है उनको तो चीज़ बंद कर देना चाहिए। कभी कभी गाय के दूध के बारे में लोग मुझे पूछते हैं कि अगर भैंस का नहीं पीना है लेकिन गाय का तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन गाय का दूध भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे देश में पहले देशी काव थी लेकिन अब वो उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है, ज़्यादातर जर्सी काव है और ये यूरोप से लाई गई हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूध देती है तो ये डेयरी इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका संबंध बहुत सारे डिजीज़ के साथ है, इसलिए गाय का दूध भी अब लेना नहीं है। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है notmilk.com। आप यहाँ जाके बहुत सारे डिजीज़ के बारे में देख सकते हैं, इसका संबंध दूध के साथ है, और आप अगर कोई डिजीज़ आपको है तो आप जाके देखिए इसका कोई संबंध है इसके साथ, तो आप दूध और दूध की सारी चीज़ें 30 दिन तक छोड़कर एक प्रयोग करके देखिए, अगर आपको इम्प्रूवमेंट है तो आपको पता चल जाएगा कि दूध और उसके पदार्थ आपको सूट नहीं करते हैं। अभी मैं आपको वनस्पति जन्य दूध के बारे में बताने वाली हूँ। ये है बादाम का दूध, फिर नारियल का दूध, ओट्स का भी दूध यानी कि जौ का दूध बनता है, और पीनट्स का मतलब मूंगफली का दूध बनता है, सोयाबीन का भी बनता है, ये सब अलग अलग दूध आप ले सकते हैं। इसमें से दही भी बहुत अच्छा बनता है। मैं सब लोगों को सिखाती हूँ कि कच्ची मूंगफली से कैसे दही बनाया जाए, और उसके साथ मैं कॉम्बिनेशन में चावल का दूध यूज़ करती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा गाढ़ा दही बनता है। नट बटर्स यानी कि पीनट बटर, मूंगफली का बटर बनता है, वैसे काजू का, बादाम का, इसका भी बटर बनता है, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कोई फाइबर निकाला नहीं है। बिना दूध आप चीज़ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ बनती है, अलग अलग नट से भी बनती है, नट फ्री भी बनती है, सोया से भी चीज़ बनती है, और ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है। अभी धीरे धीरे वीगन घी भी मार्केट में आ गया है, ये नारियल से बनाते हैं और कभी कभी कैश्यू या ऐसे मिल्क से कॉम्बिनेशन करके भी बनाते हैं, और अगर आप घी से कोई मिठाई वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप इससे ज़रूर बना सकते हैं। और आजकल सबका फेवरेट आइसक्रीम भी मिल रहा है, और वो है डेयरी फ्री आइसक्रीम, और बहुत ही टेस्टी रहता है, स्वादिष्ट रहता है। सब मुझे पूछते हैं अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो कैल्शियम का क्या करें, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? तो ये एक मिथ है कि कैल्शियम हमें खाली दूध से मिलता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं वहाँ से हमें कैल्शियम मिलता है। ये मैंने एक
सिंपल सा चार्ट यहाँ लगाया है। सबसे पहले है दूध जो जानवर से पशुजन्य दूध है और बाकी सब है वो वनस्पति जन्य दूध है। और आप एंड में देख सकते हैं कि कैल्शियम सभी में लगभग सरीखा ही है और यहाँ से हमें आराम से कैल्शियम मिल ही जाएगा और वो शरीर में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ये कुछ आइटम है जिसमें कैल्शियम एक कप दूध से भी ज़्यादा है। तो ये है हाफ कप आलमंड बटर यानी कि बादाम का बटर, या आप हाफ कप टोफू ले लेंगे जो सोया से बनाया है, या एक कप सोयाबीन से बनाया हुआ दही, और एक कप अगर ओट्स खा रहे हैं या दो चम्मच बड़े चम्मच तिल ले रहे हैं तो इसमें एक कप दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम मिल सकता है। ये कुछ आइटम है, उदाहरण है जिसमें आपको रोज बरोज के जीवन में आप ऐड कर सकते हैं और आपको कैल्शियम इससे जरूर मिल जाएगा। टोफू है या ग्रीन स्मूदी है या बादाम का दूध है या यहाँ नाचनी का ब्रेकफास्ट आइटम बताया है, तो ये सभी आप खा सकते हैं। अगर दही क्यों नहीं खाना चाहिए, दही तो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दही भी उसी दूध से बनता है जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स, हॉर्मोन्स, पेस्टिसाइड ये सारी चीज़ें रहती है। तो अब उससे बनाया हुआ दही भी हमें लेना जरूरी नहीं है, और अगर वनस्पति जन्य आहार से बनाया हुआ दही आप लेते हैं तो वो सारे हेल्दी बैक्टीरिया आपको चाहिए वो मिल जाएंगे। घी भी क्यों नहीं खाना है, तो घी में प्रॉब्लम क्या है कि ये 50% सैचुरेटेड फैट है और ये हमारे शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है और इसके कारण हमारे हृदय रोग की शक्यता बहुत बढ़ जाती है, तो इसके लिए घी भी हमें नहीं खाना है। दूध के ऊपर बहुत अच्छी दो किताबें हैं, ये है डॉक्टर एन के शर्मा जो दिल्ली से है, इन्होंने 30 साल पहले ये किताब लिखी थी मिल्क अ साइलेंट किलर, ये अमेजोन में मिलती है, आप जरूर ऑर्डर कीजिए। और इनकी और भी किताबें हैं जो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगी। और दूसरी किताब है डोंट ड्रिंक योर मिल्क बाय डॉक्टर ऑस्की, इसमें भी बहुत अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं। मैंने खुद ने ये किताब लिखी है जिसका नाम है डेयरी अल्टरनेटिव्स, इस हिंदी में भी मिलती है, जिसका नाम है वनस्पति जन्य दूध और गुजराती में है वनस्पति जन्य दूध। और इसमें ये सारे दूध, ये बटर, ये चीज़, दही और आइसक्रीम और हमारी भारतीय मिठाइयाँ कैसे बनानी उसकी बेसिक माहिती दी है, ये गाइड के जैसे हैं और हमारे भारतीय व्यंजन है, तो आपको ये पसंद जरूर आएंगे। ये आप circleofhealth.in पे जाकर ले सकते हैं। और भी बुक मैंने ये लिखी है जिसका नाम है व्हाट अबाउट माय कैल्शियम, क्योंकि बार बार ये प्रश्न मुझे लोग पूछते थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक किताब ही लिखी जाए। तो इसमें 100 से ज़्यादा व्यंजन है जिसमें सबसे अच्छा कैल्शियम मिल सकता है, और एक बहुत बड़ा चार्ट मैंने बनाया है जिसमें बहुत सारे चीजों के नाम है जहां से आपको ज्यादा कैल्शियम मिल सकता है। ये है डॉक्टर माइकल ग्रेगर जिन्होंने ये बहुत ही अच्छी न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक लिखी है जिसका नाम है हाउ नॉट टू डाई, और ये किताब में बहुत सारे डिजीज और वनस्पति जन्य आहार के बारे में बहुत सारा रिसर्च डेटा है, ये आप आराम से पढ़िए और बहुत सारी जानकारी इसमें से मिलेगी। और बहुत सारे लोगों को आप इस गिफ्ट में भी दे सकते हैं क्योंकि ये इतनी बढ़िया बुक है। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है प्लांट बेस्ड डेटा, ये डॉक्टर तुषार मेहता है कनाडा से, इन्होंने 1000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर इसमें डाले हुए हैं पूरे विश्व में जो वनस्पति जन्य आहार के बारे में बताता है। मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और भी वीडियोज़ वगैरह देखना चाहते हैं, रेसिपी वीडियोज़ है और मेरे बहुत सारे टॉक्स हैं, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। मेरा वेबसाइट है circleofhealth.in और दूसरा वेबसाइट है drrupashah.com, आप मुझे ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं। फाइनली मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सब हेल्दी खाना खाना चाहिए लेकिन इससे बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो मैं बता दूँ आपको कि अगर आप अनहेल्दी खाएंगे तो आपको आपका जीवन ही गवाना पड़ेगा। वनस्पति जन्य आहार वाली जीवन शैली ही अब सही रास्ता दिखाने वाली है हम सभी को,
इसी रास्ते का टाइम अब आ चुका है, आज से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अब जो डॉक्टर होंगे वो मेडिसिन नहीं देने वाले हैं, लेकिन वो आहार से ही आपका इलाज करने वाले हैं। तो अब जो टाइम है ये है वनस्पति जन्य आहार का। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी, हमें काफी ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब मैं आमंत्रण करना चाहूंगा मेरे प्रिय दोस्त डॉक्टर शारंग वाटेकर जी का, जो कि एक नेत्र विशेषज्ञ है खाने में। क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और हमारे खाने का क्या संबंध है? क्या आप जानते हैं निसर्ग जो बंबई और अलीबाग में अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही आया था, उसका हमारे खाने से क्या संबंध है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए सुनिए हमारे दोस्त डॉक्टर शारंग वाटेकर जी। धन्यवाद रोहित, मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर देता हूँ। अगर स्क्रीन दिख रही है और सुनाई दे रहा हूँ तो बता दीजिए। हाँ, आपकी आवाज हमें साफ साफ सुनाई दे रही है और आपकी स्क्रीन दिख रही है, आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं बात करने वाला हूँ पर्यावरण पर पशु कृषि का क्या प्रभाव होता है। अभी तक आपने देखा कि वनस्पति आधारित आहार से हमें क्या लाभ मिलता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह अब केवल हमारे बारे में नहीं रहा है, अभी ये हमारे अगली पीढ़ी के बारे में भी है। कैसे? तो देखते हैं जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज क्या होता है। तो जो सूरज की जो किरणें रहती है वो धूप लेके आती है और वातावरण में कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जिसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ये धूप को पकड़े रखते हैं और जिसके वजह से पृथ्वी का तापमान बना रहता है। अगर ये ना हो तो पृथ्वी पूरी ठंडी पड़ जाएगी, तो ये अच्छा है हमारे लिए। लेकिन जब इन गैसेस का प्रमाण बढ़ते जाता है तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ने लगता है, तो ये चीज बिल्कुल खराब है। इसमें से जो मेन खिलाड़ी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसका प्रमाण सबसे ज्यादा है। लेकिन मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये दो ऐसे गैसेस हैं जो हालांकि प्रमाण उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, जो क्षमता है पृथ्वी को गर्म करने की, वो बहुत ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले। तो ये तीनों गैसेस बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देख रहे हैं कि गए 100-200 साल में पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अभी ये पृथ्वी के तापमान से हमें क्या लेना देना? तो ये होता ये है कि बर्फ जो है अभी पिघलने लगी है, जो ग्लेशियर्स थे पहले, जो नॉर्थ पोल पे जो बर्फ बना हुआ था वो सब पिघल रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो इससे समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ते जाएगा, काफी सारे जो ओशंस के करीब जो सिटीज है वो अभी पानी के नीचे जा रहे हैं, कई प्रजातियों का नुकसान हो रहा है, जो कोरल रीफ्स होते हैं वो भी अभी गायब हो रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, हम देख रहे हैं ये सब हो रहा है, बाढ़ आ रहे हैं, आग लग रही है, गर्मी बढ़ रही है, सूखा पड़ रहा है, फसल नहीं उगा पा रहे हैं, और ओशंस भी, हमारा जो महासागर है वो भी सब खराब होते जा रहे हैं। और ये सब चीजें जो हो रही है वो ऐसी नहीं कि मैं कहीं 300-400 साल बाद की बात कर रहा हूँ, ये बहुत करीब है, सन 2050 में ये सब होने वाला है ऐसे प्रमाणित किया गया है। मेरे बच्चे जो है वो 40, मतलब मेरे उम्र के भी नहीं बनेंगे तब तक। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे वातावरण में बढ़े? तो अभी इसका पशु कृषि से क्या लेना देना? तो देखते हैं 10,000 साल पहले क्या स्थिति थी। मानव जो थे बहुत कम प्रमाण में थे पृथ्वी पर, और जंगली जानवर काफी ज्यादा थे। धीरे धीरे होता ऐसे गया कि मानव की संख्या बढ़ते गई और जंगली जानवर धीरे धीरे कम होने लगे। उससे बड़ी बात यह थी कि मानव ने क्या किया कि खेत जानवर पालना शुरू कर दिया, और उनके लिए अभी पाले है तो उनको खाना भी खिलाना होगा, तो उसका प्रमाण भी बढ़ गया। और गए 30-40 साल में स्थिति इतनी खराब हो गई, मानव बढ़ते जा रहे हैं, उनके खेत जानवर बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए खाना बनाने के लिए जगह ज्यादा लग रही है। हम कहते हैं मानव 7.8 अरब लोग हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन 70 अरब तो जानवर हमने पाल रखे हैं। तो इससे होता ये है कि क्योंकि हमारे वजह से ये जानवर यहाँ मौजूद है, अभी ये खाएंगे पियेंगे, ये पेशाब करेंगे, शौच करेंगे, डगार देंगे, पादेंगे, ये तो सब होने ही वाला है। तो इसका क्या हमारे से लेना देना, और इसके दुष्परिणाम मैं आपसे बताता हूँ। तो जब वो डकार देते हैं या पाते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो जाते हैं,
और ये इतने प्रमाण में आते हैं कि हम एक साइड पे गाय रखें और एक साइड पे परिवहन के सारे साधन रखें तो वो भी कम पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, यूके, जर्मनी, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया, इन सब देशों में से जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उससे भी ज्यादा ये मवेशियों से होता है। अच्छा, पशुधन जो उत्पादन होता है उनका, वो वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है, तो इससे और क्लाइमेट चेंज में तकलीफ हो जाती है। मांस और डेयरी जो है वो 66% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है और बाकी सारे खाने 34% तक ही आते हैं। क्योंकि ये प्राणी यहाँ पे मौजूद है वो कुछ भूमि का उपयोग तो करेंगे। अभी कृषि के लिए जितनी जगह है हमारे पृथ्वी पर उससे 77% तो खेत जानवर ले जाते हैं, और दुख की बात यह है कि इनमें से जो कैलोरीज होती है वो खाली 18% हमें मिलती है, बाकी जो 82% है ये तो वनस्पति से ही आती है, तो ये बहुत इनएफिशिएंट माना जाता है। ये इस वजह से है क्योंकि एक व्यक्ति को खिलाने के लिए अगर आप वीगन डाइट पे, प्लांट बेस्ड डाइट पे जाते हो तो जितनी जगह लगती है उससे 18 times ज्यादा मांस खाने के लिए लगती है। अच्छा, जब ये पशु खाएंगे और पिएंगे तो उसमें भी नुकसानी होती है। जब हम खुद इंसान ही इतना सब खा जाते हैं और पानी का पी जाते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है जितना कि ये मवेशियां खा जाते हैं। तो और ये तो सिर्फ मवेशी हो गए, जो बाकी जानवर है इनकी भी आप गिनती करेंगे तो ये आंकड़े तो और बढ़ जाएंगे। ये एक दिन की बात है, इतना सारा खाना और पानी उनके लिए चला जाता है। और यहाँ पे लोग जो है 6 में से 1 लोग रोज उनको साफ पीने का पानी तक नहीं मिलता, और 1/3 पानी जो साफ पीने का पानी होता है वो मीट और डेयरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम वनस्पति आधारित आहार लेते तो 90% पानी हम बचा सकते हैं, क्योंकि एक आप बर्गर लेंगे, हैमबर्गर जो बोलते हैं उसको, वो उसमें इतना पानी इस्तेमाल होता है कि 2 महीने का आप नहा सकते हो, 6 महीने का आप फ्लश कर सकते हो। 1 लीटर दूध के आने तक, आपके घर में आने तक 1000 लीटर पानी का इस्तेमाल हो जाता है। इतना ही नहीं, जो कितना खाना वेस्ट होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1 अरब लोग रोज भूखे सोते हैं और 1/3 खाना जो बनता है पृथ्वी पर वो हम जानवरों को खिला देते हैं। ये इतना खाना है कि इसमें से 3 अरब लोगों का खाना हो जाएगा, मतलब हम जो भूख है वो 3 बार खत्म कर सकते हैं। इतना खाना है हमारे पास, लेकिन ये सब जाता है इन प्राणियों को। अच्छा, अब जब ये पेशाब और शौच करेंगे तो गंदगी तो होने ही वाली है। मनुष्य से 130% ज्यादा ये गंदगी करते हैं, और इसका कोई सैनिटेशन फैसिलिटी भी नहीं होती कि उसको सही तरीके से उसको खत्म किया जाए। तो ये जाता कहाँ है? सब पानी में जाता है, और पानी से होके महासागर में, और महासागर में डेड जोन्स पैदा हो रहे हैं। ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जीव जो बिल्कुल जीवन का समर्थन नहीं कर सकते, खत्म हो गया ऑक्सीजन वहाँ का, और ये जो है ये बढ़ते जा रहे हैं डेड जोन। जहाँ जहाँ वो पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे वो बढ़ते जा रहे हैं। ये आंकड़े को देखिए, 1.2 लाख करोड़ मछली हम हर साल मार के खाते हैं, और इसमें से 40% जो है वो बाइकैच करके हो जाता है। बाइकैच का मतलब है कि अनजाने में पकड़े जाते हैं, हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन वो बेचारे मर जाते हैं ऐसे। इस दर पर तो महासागरों में कोई मछली अभी बचेगी नहीं 2050 के पहले, सब खत्म हो जाएगा। प्लास्टिक की बात करें तो 46% जो प्लास्टिक है इन महासागरों में वो फिशिंग नेट्स है, जो मछली पकड़ने के जाले है जो वहीं पे फेंके जाते हैं, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, और उनमें से न जाने कितने अनजान प्राणी अटक जाते हैं, और पक्षी भी नहीं बचते। वो तो पानी के लिए नीचे, मछली के लिए नीचे जब पानी में जाते हैं तो वो भी बेचारे अटक जाते हैं। तो ये हमने देखा कि इन प्राणियों का यहाँ धरती पर हमने पालने के वजह से जो दुष्परिणाम हो रहे हैं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, महामारियां। अभी कोरोना का टाइम है और हम उसे चीन वायरस कहके, चीनी वायरस करके उसको बुलाते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि पिछले 100 सालों में जितनी भी बीमारियां, महामारियां आई हुई है, उनका कहीं ना कहीं पशु खेती से कोई ना कोई संपर्क रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि हम एक साथ लाखों जानवरों को की भीड़ करके उनको रखते हैं, और ऐसे सामान अच्छे सारे इसके ऐसे भी नहीं रखते हैं, उनको गंदगी में रखते हैं, और उनको एंटीबायोटिक्स ठूस के देखते ताकि वो बीमार नहीं पड़े। 80% एंटीबायोटिक्स हम जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कोई साधारण एंटीबायोटिक्स नहीं, ये उच्च दर के एंटीबायोटिक्स रहते हैं जो
हमारे लिए भी मनुष्य के लिए भी जरूरी होते हैं, लेकिन वो उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो होता ये है, जैसे रूपा मैडम ने भी बताया कि ये एंटीबायोटिक्स जब जानवरों में रहते हैं तो उनमें सुपर बग्स बन जाते हैं। तो ऐसे कीटाणु जिनके ऊपर इन एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता, और जब हम ये खाते हैं तो हमारे शरीर में आ जाते हैं, और फिर वही एंटीबायोटिक्स अगर हम लेते हैं तो ये बीमारी नहीं मिटती। और आप इनको जूनोसिस कहते हैं, और आप देखेंगे तो 75% जो नए बीमारी आए हैं गए 10 साल में, ये प्राणियों से आए हैं। माइकल ग्रेगर ने तो कहा है कि यदि आप वास्तव में वैश्विक महामारियां बनाना चाहते हैं तो पशु खेती करो, इतना वो खराब है। और भारत भी कोई ऐसा नहीं, हम कहते हैं कि चलो हम गाय हमारे लिए माँ है, हमें कुछ हम उनका कोई नुकसान नहीं करते, लेकिन हमें देख ये समझना है कि भारत नंबर 1 पे है दूध के प्रमाण, और इसलिए है क्योंकि 20% जो मवेशी है वो भारत में है। हम उनको मारते नहीं है, लेकिन हम उनको बेचते एक्सपोर्ट करते, नंबर 2 पे हम। तो हम कहते हैं हमारी माँ है, हम नहीं मारेंगे, और कहीं और बेचते उनको मरवाते, ये बिल्कुल गलत है। तो कहने की बात यह है कि 2030 तक हम अगर अभी वर्तमान जो हमारी जीवन शैली है उसको बनाए रखेंगे तो हमें 2 पृथ्वी की आवश्यकता होगी, है तो हमारे पास 1 ही। और हम सोचते हैं एक अकेला बंदा क्या कर सकता है, लेकिन अगर आप वनस्पति आहार पे जाते हो तो एक बंदा हर रोज एक जानवर की जीवन बचा सकता है, 20 किलो अनाज बचा सकता है, 30 स्क्वायर फुट वन बचा सकता है, और 4,200 लीटर पानी बचा सकता है। इतनी शक्ति है इसमें, और ये सब जो हो सकता है उसको हम टाल सकते हैं अगर वनस्पति आधारित आहार पर जाए, और ये सरल है, पर्याप्त है, और आध्यात्मिक उत्थान भी करता है। धन्यवाद। डॉक्टर शारंग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझाने के लिए कि अगर हम सही चीज अपने आहार में ले तो ना ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, बट हम पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं, हम एक सही विश्व हमारे बच्चों को दे सकते हैं। इसके बाद में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे प्रिय मित्र विघ्नेश जी का, जो ये हमारा आंदोलन है जो हम करना चाहते हैं उसके मुख्य जो है वो है विघ्नेश जी, और वाईवी केयर इसमें कई तरीके से इन्वॉल्व है। विघ्नेश जी हम आपसे बात करेंगे नैतिकता और पशु कृषि के बारे में। थैंक यू रोहित, मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, बताइएगा प्लीज। जी विघ्नेश जी आप शुरुआत कर सकते हैं। वेरी गुड, सो थैंक यू वेरी मच। अब हम लास्ट मुद्दे पे हैं जहां हम देखेंगे कि पशु कृषि एनिमल एग्रीकल्चर में नैतिकता। तो मेरे हिसाब से तो ये बड़ा ही अजीब सब्जेक्ट है मेरे लिए कि पशु कृषि में नैतिकता, क्योंकि पशु कृषि में नैतिकता है ही नहीं, तो ये बड़ा ही अजीब है। होना चाहिए अनैतिकता पशु कृषि में, पर ठीक है सब्जेक्ट मिला तो आप करते हैं, देखते हैं। सो नैतिक पक्ष पे अगर बात करें कि सही है या गलत, तो अगर मैं आप में से आप लोगों को ये चित्र दिखाऊं कि ये सही है या गलत, आप सब अच्छे लोग कहेंगे गलत है, ये टोटली गलत। मैं पूछूं ये जानवर को जिस तरह से जो हमने शोषण किया, ये आप कहेंगे गलत, ये आप कहेंगे ये भी गलत। ये देखिए नेपाल में गलीना मंदिरों में पशु बलि हजारों की संख्या में एक दिन में मारे गए, आप कहेंगे ये भी गलत है, मैं जानता हूं। सो मेरा कहना है कि किसी भी त्यौहार में हमारी खुशी के लिए हजारों जानवर को मारना, ये कैसे सही हो सकता है, ये कैसे नैतिक है, नैतिक नहीं है ये। गलत या सही, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये देखिए ये छोटा बच्चा बकरी का कितना प्यारा, ये मुर्गी अपने बच्चों के साथ बैठी है कितना अच्छा लग रहा है, सही है कि नहीं, आप कहेंगे सही है, चलो मारते हैं इनको, आप कहेंगे नहीं नहीं मार सकते, आप में से कोई भी इसको नहीं मार सकता। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते गलत और खराब काम, सो हम सुपारी देते हैं, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, कि कोई और ही गलत काम करे, हमें नहीं पता ना कैसे किया आपने, दूर करना कहीं दीवार के पीछे छुपे हुए, बस मुझे रेडी आइटम दे देना खाने के लिए, मुझे नहीं बताना बच्चा था
कैसा था, माँ थी, ये हम करते हैं कि हमें नहीं बताना, और हमें लगता है कि हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, हमने ये अनैतिकता कार्य किया ही नहीं है। ये देखिए, गाय का पूजा पूजते हैं हमारे देश में, बहुत महान मानते हैं, पर उसके साथ दुर्व्यवहार क्या करते हैं वो भी देखिए। ये देखिए, ये हमारा डेयरी इंडस्ट्री, दूध के बिना जो हमें चलता नहीं है, बेचारी गाय भैंस पूरा जिंदगी की जगह बांध के रहते हैं, वहीं पर उनका गंदगी, वहीं पर उनका मलमूत्र, सब कुछ मशीन लगा कि खींचते रहो, इतना खींचो कि जैसे रूपा जी ने बताया खून और पस आ जाता है दूध में। ये बछड़ा हुआ तो कोई काम का नहीं है, मार दो या कसाई को भेज दो, हम गलत काम नहीं करेंगे, कोई और मारे। ये हमारा अच्छाई, ये गाय भैंस को हर साल जबरदस्ती हम प्रेग्नेंट करते हैं गलत तरीके से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्योंकि हमें दूध चाहिए ना, मां तो तब दूध देगी जब बच्चा होगा, तो इसके लिए उसको कंटिन्यूसली प्रेग्नेंट करते रहते हैं हर साल, नैतिक नहीं है ये। अब बच्चा मर गया, आपने दूध लेके जाके मार दिया, उसको बेच दिया, तो मां तो दूध देना बंद कर देगी, तो मां को पागल बनाते हैं, उसके बच्चे का खाल ठूस के उसके आसपास रखते हैं ताकि गंध आते रहे और मां को लगे मेरा बच्चा यहीं है। इस तरह का अनैतिक कार्य करते हैं हम हमारे खाने के लिए, दूध पनीर घी बटर इन सब के लिए, और ये हर जगह होता है। लोग कहेंगे हम नहीं करते, कहीं दूर होता होगा, कोई और करता होगा, अरे कौन, हर कोई करता ही है। ये लाइफ स्किलिंग, जिंदा खाल उकाड़ते हैं, क्योंकि चमड़ा उतना मस्त निकलेगा, उतना फ्रेश रहेगा। बिल्लियों का चमड़ा, कुत्तों का चमड़ा, हर जगह कहीं कहीं में छुप छुप के होता है, पर ये हर जगह होता है। हम कहेंगे कि कहीं दूर लोग करते हैं, हम नहीं करते, हम अच्छे हैं, नहीं साहब, ये हमारे यहां भी होता है। क्रोकोडाइल जिंदा उबालते हैं, कैसे हुआ ये सब नैतिक? ये जानवर, ये बेचारी मुर्गियां, कहते हैं कि हम एक सेकंड में 2000 मुर्गी खाते हैं इंसान दुनिया भर में, एक सेकंड में 2000, उतना मुर्गी खाते हैं, और ये बेचारे मुर्गी बढ़ते भी नहीं है, एक ही जगह पे इनको रखते हैं, 45 दिन के बच्चे को ठूस ठूस के खिला के बड़ा कर देते हैं, और 45 दिन का बच्चा हम मार के खाते हैं, एकदम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, गलत है ये, सब जानवरों के साथ क्रूरता। ये जानवरों को हम जो मारते हैं, ये थोड़ा हजार 10,000 नहीं मारते, करोड़ों में मारते हैं, अरबों में मारते हैं। कहते हैं कि इंसान की संख्या है 7.8 बिलियन, इसका 10 गुना ज्यादा हम हर साल मार के खाते हैं एक साल में, सिर्फ हमारे खाने के लिए, स्वाद के लिए। ये जानवरों पे क्या होता है, होने तो, लेकिन कहीं दूर करना साहब, हमारे आसपास नहीं करना। ये अपने बेचारे परिवारों से दूर रहते हैं, अपने छोटे से वो उनको ठूस ठूस के कहीं रखा जाता है, उनके साथ जो भी हम दुर्व्यवहार करते हैं, कोई पेन किलर, कोई दर्द कम करने का दवा नहीं देते हम, ऐसे ही जिंदा करते हैं उनके साथ जैसे वो है। वो बेचारे दौड़ के भागना चाहते हैं, मरने से बचना चाहते हैं, और हम उनको पकड़ के करते हैं, अरे बिजनेस है भाई ये। कुत्ता बिल्ली, इनको हम प्यार करते हैं, हमारे लिए बहुत प्रिय है, पर ये इसका हम दुरुपयोग करते हैं। बकरी हुआ, मुर्गी हुआ, गाय हुई, ये बछड़ा हुआ, दोनों में कितना फर्क है, बेचारे वैसे ही जानवर है जैसे हम, पर हमारे दिमाग में ये सब अलग है। ये जानवरों को हम प्यार करेंगे, वो जानवरों को मार के खाएंगे, उनके बारे में सोचेंगे भी नहीं, और उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है, वो तो बस कचरा है हमारे लिए, मारो खाओ अपने स्वार्थ के लिए। हाँ, और गलत सब दूसरे लोग करते हैं, लेकिन चीन गलत होगा, कोई और गलत होगा, हम अच्छे हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ हमारी धारणा में, हमारे नजरिए में, हमारी सोच में है, बदलना चाहिए ये, क्योंकि ये सब अनैतिक है। ये जो मैंने आपको बताया, इतने इंसान 10 गुना ज्यादा हर साल मार के खाते हैं, पागलपन है ये। दुख की बात ये है कि हर कोई, जो हमारे 7.8 अरब लोग जो हैं, ये कहते हैं कि अरे यार मैं अकेला बंद कर दूं, मैं अकेला बदल जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, और यही सोचते हुए कोई नहीं बदलता, और इसलिए दुनिया बदल नहीं रही है। ये अनैतिक कार्य जानवरों का इस तरह से बुरी तरह से मारना चले जा रहा, क्योंकि हर एक आदमी बदलना नहीं चाहता। कहते हैं कि आपके अकेले से, आप एक व्यक्ति भी अगर बंद करोगे जानवरों को खाना और वनस्पति आहार पे आओगे तो फर्क पड़ता है,
लोएस्ट एस्टिमेट बताता है कि आप अकेले ने अगर बंद किया तो आप अकेले व्यक्ति कम से कम साल का 80 जानवर बचा सकते हैं। 80 जाने साहब आप अकेले बचाएंगे, कहां कम है ये, बड़ा है ये। सो आपके अकेले से फर्क पड़ता है। ह्यूमेन कहते हैं कि ह्यूमेन ट्रीटमेंट दो इनको, पर किसी को मारना और शोषण करना कहां का ह्यूमेन, इसमें क्या ह्यूमेन है? टोटली बस ये पागल बनाने का तरीका है कि नहीं मेरी मुर्गियां घूमती हैं, अरे आप उसको 10 दिन घुमाते हो फिर मार के ही खाते हो, क्या है इसमें इंसानियत? क्या मैं आप में से किसी को इंसानियत के तौर पर अच्छा से खिला पिला के देखभाल करके फिर शोषण कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो ये जानवरों के साथ कैसे पॉसिबल है? हमने देखा ये पशु कृषि की वजह से कैसे पर्यावरण का भी नाश होता है। बस विघ्नेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दर्द और आपकी भावना पूरी व्यतीत हो रही थी आपके इस टॉक में। मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ में विशेषज्ञ और कई डॉक्टर्स हैं जो कई प्रश्नों के उत्तर हमें दे सकते हैं, और आप सभी के कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हम सबसे पूछ सकते हैं। मैं शुरुआत में आमंत्रित करना चाहूंगा मधुरा जी के लिए, क्योंकि मधुरा जी के लिए कई प्रश्न आए हैं, उसमें से मुख्यतः एक चीज पूछी गई है कि हमें वर्कआउट के बाद में क्या खाना चाहिए। तो बेसिकली बहुत बार ऐसे होता है कि सब लोग जोर देते हैं कि प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, लेकिन जैसे हम सब लोगों ने देखा है, जैसे डॉक्टर रोहित आपने भी बताया कि हमको ज्यादा मतलब हमको सिर्फ 10% प्रोटीन की जरूरत है। बॉडी बिल्डर्स एथलीट सबको भी 10% प्रोटीन की ही जरूरत है, तो ऐसा नहीं है कि हमें ज्यादा प्रोटीन खाने की जरूरत है। वर्कआउट करने के बाद भी अगर हम जैसे कोई ग्रीन स्मूदी है ऐसा कोई पेय ले, तो वो भी हमारे बॉडी में जो हम लोगों ने जो न्यूट्रिएंट लूज किए हैं वर्कआउट के दौरान, तो वो सब रेप्लीमेंट या वापस हमें मिलते हैं। तो ग्रीन स्मूदी एक अच्छा पेय होता है वर्कआउट के बाद लेने के लिए, क्योंकि उसमें इनफ प्रोटीन है, इनफ कार्बोहाइड्रेट्स है, सही सब मात्रा में है। शुक्रिया मधुरा जी। मधुरा जी एक और प्रश्न आया था कि जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उन्हें सोय अवॉइड करना चाहिए कि वो सोय के पदार्थ ले सकते हैं? तो बेसिकली थायराइड के पेशेंट्स को सब ऐसे पदार्थ खाने चाहिए जिससे इन्फ्लेमेशन ना बढ़े। तो इसमें सोय के पेशेंट्स सॉरी थायराइड के पेशेंट्स को हम यूजुअली गेहूं मना करते हैं, सोय मना करते हैं, और जो बाकी के सब चीजें जैसे ऑयल नहीं खाना है, शक्कर नहीं खानी है, ऑब्वियसली डेयरी नहीं लेना है, ये सब है, क्योंकि इससे थोड़ा इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा बंद करना है, इसका यही मतलब है कि थोड़ा कंट्रोल ज्यादा, मतलब थोड़ा कंट्रोल्ड इसमें सोय और गेहूं खाने। जी बिल्कुल, शुक्रिया। और एक और हमारे व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था कि हम अगर देखेंगे तो मूंगफली और बादाम में क्या फर्क है, क्या मैं बादाम की जगह पे रोज मूंगफली भिगो के खा सकता हूँ क्या? तो बेसिकली प्लांट बेस्ड जो आहार है हमारा, उसमें हम सिर्फ 10 nuts जो है वो अलाउ करते हैं डे टू डे बेसिस पे। तो बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, ये सब है, ये सब नट्स है, और पीनट या मूंगफली जो है वो एक्चुअली बीन्स या लेग्यूम्स कैटेगरी में आता है, तो वो हम थोड़ा ज्यादा खा सकते हैं। तो अगर हम बादाम खाएंगे तो हमको 10 तक ही लिमिट करना, तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा मूंगफली खा लें, क्योंकि उसमें फैट भी है, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, और वो सेहत के लिए अच्छा भी है। शुक्रिया मधुरा जी। मधुरा जी एक और सवाल मैं खुद पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक रेटिना स्पेशलिस्ट होने के तहत मुझे कई बार किडनी पेशेंट्स भी आते हैं, क्योंकि डायबिटीज के साथ में किडनी की बीमारियां कई कॉमन है, और हमारे एक व्यूअर थे वो भी पूछ रहे थे कि उनके पिताजी को किडनी की प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है, तो इसमें प्लांट बेस्ड डाइट में उन्हें क्या चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए?
तो बेसिकली किडनी के पेशेंट को थोड़ा प्रोटीन पे ध्यान देना पड़ता है और थोड़ा वाटर इनटेक, मतलब जो अपना फ्लूइड इनटेक है उस पे ज्यादा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, और ऑब्वियसली जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो बॉडी में, जैसे रिलेटिवली जो एसिडिटी बढ़ाते हैं वो चीजें कम खानी है। तो इसमें जो हमारे प्रोटीन जैसे छोले है, राजमा, जो बड़े प्रोटीन है बेसिकली बीन्स फलिया, वो थोड़ा कंट्रोल्ड मात्रा में है, और नट्स और ग्रेन्स भी थोड़े कम खाने, क्योंकि जैसे नट्स और ग्रेन्स थोड़े रिलेटिवली एसिडिक है बाकी चीजों से, तो वो थोड़े कम करने हैं। और फ्लूइड इनटेक जैसे सूप होते हैं, ग्रीन स्मूदी, ज्यादा यू नो फ्लूइड ज्यादा नहीं लेना है। तो अगर ग्रीन स्मूदी ले भी रहे हैं तो थोड़ा पानी का मात्रा थोड़ी कम करके थोड़ा थिक जैसे बोल कर सकते हैं ग्रीन स्मूदी को। लेकिन किडनी पेशेंट्स डेफिनेटली फल खा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि केला नहीं खा सकते, ग्रीन्स नहीं खा सकते, ये सब बात नहीं है। किडनी पेशेंट्स डेफिनेटली ग्रीन स्मूदी ले सकते हैं, सब फल खा सकते हैं, सिर्फ उनको प्रोटीन और थोड़ा फ्लूइड इनटेक पे ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपके लिए कि मशरूम्स किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। एक तो कई लोगों को ये मान्यता है कि मशरूम्स वीगन नहीं है, तो पहली चीज आपको वो मैं पूछना चाहूंगा, और दूसरा मशरूम हमारे लिए हेल्दी है कि नहीं है। तो मशरूम बेसिकली वीगन है, इट्स एक्चुअली अ टाइप ऑफ फंगाई, लेकिन वो एक वीगन पदार्थ ही है, और उसमें बी कॉम्प्लेक्स बड़ी ज्यादा मात्रा में होते हैं। और एक गलतफहमी है कि मशरूम रॉ नहीं खा सकते, मशरूम हम रॉ भी खा सकते हैं, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स अगर आप रॉ खाओगे तो ज्यादा मात्रा में मिलेगा, जब आप कुछ भी पकाते हो तो क्योंकि वो पानी में घोल जाता है तो बी कॉम्प्लेक्स कम मिलता है। तो मशरूम डेफिनेटली हम खा सकते हैं, लेकिन मशरूम एक अक्वायर्ड टेस्ट होता है, लाइक सबको, क्योंकि ऐसा लगता है सबको कि उसमें से नॉनवेज स्मेल आ रही है। तो अगर मशरूम नहीं खा पाते तो ऐसे नहीं है कि मस्ट है कि खाना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो, इट्स अ प्लांट बेस्ड थिंग, तो आप खा सकते हो, और उसमें बी कॉम्प्लेक्स काफी अच्छे मात्रा में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरा जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो भी चीजें हमें समझाई है हमारे लिए, सभी व्यूअर्स के लिए काफी मददगार साबित होगी। इसके बाद में कई प्रश्न रूपा जी का जो विषय था उसके तहत आए थे। रूपा जी, मैडम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए हमारे आयुर्वेद में और बचपन से हमें कहा गया कि घी बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। आनंद जी शायद आप कुछ कहना चाहते थे। या प्लीज प्लीज आनंद जी कहिए। या एक्चुअली मशरूम्स के बारे में कुछ बताना चाहता था। एक तो मशरूम्स बहुत ही अच्छा एंटी कैंसर एजेंट है, उसमें प्रोटीन्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, और उसमें एंटी वीईजीएफ क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे जो वीईजीएफ जो है जिससे कैंसर के न्यू ब्लड वेसल्स वगैरह बनते हैं, तो ये इसको इनहिबिट करता है। इवन डायबिटीज़ में जो रेटिना में नए खून के नसें बनते हैं, जो फूटते हैं, उसमें से खून निकलता है, पर्दा हिलता है, तो इसको एंटी वीईजीएफ प्रॉपर्टीज भी है, एंड डेफिनेटली एन एंटी कैंसर एजेंट। आई वुड से कि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू इंक्लूड इन योर डाइट, एंड इट हैज अ स्लाइट टेस्ट लाइक नॉन वेज, इसलिए वो जो नॉन वेजिटेरियंस नॉन वेज को छोड़ रहे हैं उनके लिए अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बहुत ही मददगार था ये कुंता जी। मैं अभी रूपा जी पे आना चाहूंगा, हम घी के बारे में बात कर रहे थे, तो रूपा जी आपका क्या विचार है घी के ऊपर, और अगर हम घर पे घी बनाएं या ऑर्गेनिक तरीके से घी बना हो तो उसके बारे में क्या विचार है? तो सबसे पहले घी तो एक हाईली प्रोसेस फूड है, ये कोई झाड़ के ऊपर से गिरा हुआ आइटम नहीं है, ये हम काफी प्रोसेसिंग करके बनाते हैं, और एक आता है दूध में से जहाँ कोई फाइबर है ही नहीं, तो ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, सैचुरेटेड फैट बहुत ही ज़्यादा है, और इससे हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और इसके साथ हार्ट डिजीज़ की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। हम ऐसा कोई जीवन अब जी नहीं रहे हैं कि जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़े, हम ज़्यादातर सोफे पे बैठे रहते हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। अब घी का कोई जस्टिफिकेशन रहा नहीं है, तो घी नहीं लेना चाहिए। घर में भी बनाया होगा या देसी काव का होगा तो भी उसे जरूरत नहीं है। अभी रोहित, आई कांट हियर यू।
आई एम सॉरी, इज एटो मिल्क गुड फॉर योर हेल्थ? एटो मिल्क जो है, ये प्रश्न सभी लोग मुझे पूछते हैं, A1 काओ, A2 काओ, A2 काओ का मिल्क तो अच्छा होगा ना। तो अभी कुछ डायबिटीज के पेशेंट जो खाली A2 काओ की मिल्क ले रहे थे, उनमें भी हमने देखा कि जब ये मिल्क बंद कर दिया गया तो उनके डायबिटीज अच्छे हो गए। तब समझ में आ गया कि ये जो अनहेल्दी फैट्स आ रहे हैं A2 काओ में के मिल्क में से भी होगा तो भी क्या फर्क पड़ता है, डिजीज तो आ ही रहे हैं, तो हमें अभी A2 काओ का मिल्क का भी प्रयोग नहीं करना है। शुक्रिया रूपा जी। डॉक्टर कुमटा जी, मेरे लिए 2-3 प्रश्न जो हमें आए भी थे व्यूअर से, और मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी आपसे 2-3 चीजें पूछनी थी। पहली बात है कि ये कई बार मैंने देखा हुआ है कि मेरे दोस्त लोग जो कसरत करते हैं उसके बाद में वो सिर्फ एग वाइट्स खाते हैं, और वो बोलते हैं कि रोहित एग वाइट्स में क्या बुराई है, जब मैं कोलेस्ट्रॉल निकाल चुका हूँ, फैट निकाल चुका हूँ, तो प्योर प्रोटीन है। तो आपके क्या विचार है उसके ऊपर? तो एग वाइट्स एक्चुअली एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बायोलॉजिकली वो काफ़ी सुपीरियर है, जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो बॉडी बनाने के लिए यूजफुल हो सकते हैं। लेकिन जो भी एनिमल प्रोटीन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे रहते हैं कि बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से एक सर्टन एज के बाद कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि एनिमल प्रोटीन, जैसे आदि आपने भी बताया था कि 10% से ज़्यादा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, तो एग वाइट्स जब हम इंक्लूड करते हैं तो हमारे डाइटरी इनटेक ऑफ प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो किडनी पे भी लोड बढ़ जाता है, लिवर पे भी लोड बढ़ जाता है। तो और एज अलॉन्ग विथ अदर एनिमल फूड्स, उसमें भी ड्रग्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं जो एनिमल्स को दिए जाते हैं, वो सभी एंटीबायोटिक्स वगैरह एग्स में भी होते हैं, और बहुत सारे डिजीजेस जो है जैसे टाइफाइड है वो एग्स से आते हैं। तो आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइज अगेंस्ट एग वाइट्स। रोहित, आई थिंक यू नीड टू अनम्यूट। I'm sorry. Kumta ji, you are a very famous retina specialist, और I'm sure आप काफी diabetic eye disease patients, या हम जो बोलते हैं मधुमेह के कारण जो पर्दे में बीमारी होती है उसके patients को treat करते हैं। तो कई बार patients हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमको diabetes है तो carbohydrates कम खाना चाहिए और हमें protein पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और आजकल एक चलन चालू हुआ है keto diet का, कि जिसमें कहते हैं कि भैया आप प्रोटीन और फैट ज्यादा खा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स मत खाइए। तो आपके क्या विचार है इसके बारे में? तो जैसे मैंने मेरे टॉक में बताया था कि जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो कॉमन डायबिटीज है, वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से नहीं आता है, वो एक्चुअली फैट की वजह से होता है। तो जो हमारा फैट का परसेंटेज बॉडी पे जो फैट ज्यादा है और जो हमारे डाइट में फैट ज्यादा है, उसकी वजह से हमारा जो बॉडी का इंसुलिन है वो काम नहीं करता है। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादातर इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल रहते हैं या ज़्यादातर लोगों में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है चर्बी की वजह से। तो द फैट इज़ द कॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, तो इसके लिए हमको फैट डाइट में कम करना चाहिए, स्पेशली सैचुरेटेड फैट। तो वो आता है एनिमल प्रोडक्ट से, मिल्क से, और ऑयल, ऑयल भी अपने को कम्प्लीटली जीरो जीरो पे लाना चाहिए। और जो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है वो उसको होल कार्बोहाइड्रेट सोर्स, यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और बीन्स में होते हैं, उस टाइप का कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हमको यूज करना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक और चीज जो मधुरा जी के टॉक में जो उन्होंने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी, कि ओम कहते हैं कि उनके जो प्रोसेस होता है जो पेशेंट्स के लिए वो डायबिटीज रिवर्सल का चालू करते हैं पोर्शन से, उसमें वो फ्रूट्स अलाउ करते हैं। तो ट्रेडिशनली ये कहा गया है कि भैया आपको फ्रूट्स कम खाने हैं क्योंकि फ्रूट से शुगर बढ़ती है। तो फ्रूट्स और डायबिटीज का क्या रिश्ता है, आप कुछ विस्तार में बता सकते हैं? मधुरा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपको अनम्यूट करना होगा। सॉरी, एक्चुअली फ्रूट्स और डायबिटीज का कोई रिश्ता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। जैसे डॉक्टर कुंटा ने अभी कहा, फैट इज द रीजन ऑफ डायबिटीज,
और फ्रूट्स में फैट है ही नहीं, लाइक इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी होते हैं फ्रूट में. तो फ्रूट इज समथिंग दैट इज गिविंग, जो हमें फाइबर देता है एक्चुअली, और वो जो फाइबर होता है, जो सोल्यूबल फाइबर है या कॉम्प्लेक्स फाइबर, जो फलों के जो बाहर के सतह पे होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अंदर सोल्यूबल फाइबर होते हैं. तो ये दोनों जो है एक्चुअली शुगर्स क्लीन करने में हेल्प, इट्स लाइक अ झाड़ू का काम करते हैं कि निकल देते हैं. उसपे जो फ्रूट्स में जो शुगर होती है वो एक्चुअली हमारी, क्योंकि वो ग्लूकोज नहीं होता है, वो फ्रक्टोज होता है, तो वो एक्चुअली शुगर लेवल्स कभी भी स्पाइक नहीं करती है. जैसे आप केला, जैसे एथलीट्स केला खाते हैं, तो केला क्या कहता है, धीरे धीरे, क्योंकि उसमें इतना फाइबर होता है कि धीरे धीरे शुगर रिलीज होता है. तो हम जब जाते हैं, जैसे शरण का 21-day कैंप होता है और हम जाते हैं वहां पे एक्चुअली पेशेंट्स ब्रेकफास्ट में दो दो ग्लास बनाना के स्मूदीज, ग्रीन और बनाना के स्मूदी, और प्लेट भर के मैंगोज खाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फास्टिंग, मतलब वी नेवर सी, कभी भी राइस देखते नहीं है. एक्चुअली दिन ब दिन शुगर्स घटती रहती है, मतलब इतना अच्छे तरीके से वो दिखता है वहां पे. और ज्यादा रॉ खाते हैं, इवन शाम को फ्रूट्स मिलते हैं, कोई भी मील, जैसे लंच हो या डिनर हो, कोई भी मील आप फ्रूट मील से रिप्लेस कर सकते हो. इतनी पावर फ्रूट मील है कि वो आपको हील कर सकते. थैंक यू मधुरा जी. मैं कुमता जी से एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आज हमारा जब डिस्कशन हो रहा था तो सोय के बारे में कई प्रश्न उठ रहे थे, तो आपका क्या विचार है सोय के बारे में, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन की मात्रा कोई लोग कहते हैं कि ज्यादा होती है तो उससे कोई दिक्कत आ सकती है. जो भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हुए हैं उसमें जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा सोय खाते हैं, जैसे रूरल चाइना है या जो भी ब्लू जोन्स के जो पेशेंट्स हैं, उनमें एक्चुअली कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की मात्रा सबसे कम होती है. तो सोय में एक्चुअली एक टाइप का ईस्ट्रोजन होता है, बहुत वीक ईस्ट्रोजन होता है, वो उसको फाइटो ईस्ट्रोजन बोलते हैं, और वो एक्चुअली बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव है, वो कैंसर से प्रोटेक्ट करता है. तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप डेयरी ले सकते हैं लेकिन आपको सोय नहीं लेना चाहिए, स्ट्रिक्टली सोय नहीं लेना चाहिए. एक्चुअली मैं उल्टा कहूँगा कि डेयरी प्रोडक्ट से ब्रेस्ट कैंसर और जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स है सर्विक्स का, यूट्रस का, ओवरी का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो सोय इज एक्चुअली प्रोटेक्टिव, बट लेकिन वो ऑर्गेनिक होना चाहिए प्रेफरेबली, और वो नॉन GMO होना चाहिए, उतना ही ख्याल रखना चाहिए, और जितना अनप्रोसेस्ड हो वो ज़्यादा अच्छा है, जितना प्रोसेस करेंगे वो कम हेल्पफुल होता है. थैंक यू वेरी मच कुमता जी. मधुरा जी, आपके लिए एक दो प्रश्न और आए थे, उसमें से ये था कि अभी जैसे कि अगर हमें प्लानिंग करनी है किसी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो डाइट देते हैं, तो उसमें की पॉइंट्स हमें क्या ध्यान में रखने चाहिए? बेसिकली डायबिटिक्स के लिए जैसे शुगर हाई है एंड अगर फैट भी हाई है आपके डाइट में, तो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं होने वाली. तो आपके डाइट में बेसिकली आप कैसे फाइबर बढ़ा सकते हो, तो मॉर्निंग आप पहली चीज जो खाते हो उससे रात के सोने तक आप जो भी खा रहे हो, हर प्लेट में आपको एटलीस्ट 50% फाइबर रखना चाहिए. और फाइबर रॉ फूड से ज़्यादा मिलता है, फूड में काफी कम होता है फाइबर. तो अगर आप रॉ की मात्रा ज्यादा रखोगे, स्पेशली मॉर्निंग्स आपकी जो पहला मील है, यूजुअली इंडियन कल्चर में देखा जाता है, इवन अनफॉर्चुनेटली जब डॉक्टर्स पेशेंट्स को देते हैं कि आप ये खाइए वो मत खाइए, तो ट्रेडिशनल जैसे कैंसर पेशेंट्स है, डायबिटीज पेशेंट्स है, उनके डाइट में आप देखोगे कि आप फल बंद कर दो लेकिन ऑयल 3-4 चम्मच अलाउड है, आप ये बंद कर दो लेकिन थोड़ा सा गुड़ आप खा सकते हो. तो उससे क्या होता है, आप प्रोसेस बढ़ा रहे हो और नेचुरल कम रख रहे हो. तो आप सुबह से लेकर रात तक हर प्लेट में आप जब भी कुछ भी खाना लेते हो, यही देखो कि उसमें फाइबर कितना है, रॉ ज्यादा है कि नहीं. तो सुबह की ग्रीन स्मूदी, नाश्ते में पुदीने की चटनी, कुछ थोड़ा सा रॉ, वापस लंच में ज्यादा से सैलेड, शाम को वापस एक स्मूदी रिपीट करो या फल खाओ. और रात को आपके खाने मतलब भोजन में अगर आप ज्यादा सैलेड रखोगे तो शुगर्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहती है. थैंक यू. आज मैं हमारे सभी व्यूअर्स का, सभी पैनलिस्ट और विशेषज्ञों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जिन्होंने अपना समय निकाला और आज हमारे साथ में आए.
मैं डॉक्टर आनंद कुमटा जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरा जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है कल और आज उसका एक हमें कंक्लूजन दें। मेरा सबके लिए एडवाइस ये है कि हमें शुद्ध शाकाहारी बनना चाहिए। कोई भी पशु का मिल्क या पशु का सेक्रीशन या पशु का शव हमको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इससे हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, हम एनिमल्स को भी सेव करेंगे और अल्टीमेटली हम दुनिया को सेव करेंगे और हमारे बच्चों के लिए और जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए पृथ्वी को बचा सकेंगे। शुक्रिया, और हम सब शुक्रिया करना चाहते हैं वाईवी के और विघ्नेश जी का, जिन्होंने जो हमें एक आइडिया आई थी उसे एक अलग ही स्तर पे हम कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।